पे आपकी पूरी जन्म पत्री छपी हुई होती है। प्रणाम जी सभी को। सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा है कि थर्ड हाउस की महादशा अच्छी जाती है, तो मेरी थर्ड हाउस की महादशा तो चल रही है, पर लेकिन थर्ड हाउस में राहु एक्टिव है, तो थर्ड हाउस की महादशा अच्छी नहीं चल रही सर। देखो सर, एक बात बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने जब ज्योतिष करना शुरू किया था तो मेरा करियर है आज के समय में करीब करीब 18 साल। पहले 10 साल तक तो ऐसी ही बातें जैसे आप कर रहे हो ना, कि सुना तो ऐसा है लेकिन हो ऐसा रहा है, सुना तो ऐसा है लेकिन हो ऐसा रहा है, ये सारी दुविधाएं मुझे अपने जीवन को लिखी ही थी। क्योंकि जो पढ़ता था और जब मैं अपनी पत्री देखता था तो वो कहानी कुछ और दिखती थी, और जो मेरी जिंदगी में हो रहा होता था वो कुछ और होता था। तो बाद में समझ में आया कि जो प्रचलन में है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें डेप्थ नहीं है। हर कोई ऊपर ऊपर से छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के आगे निकल देता है, और सीखने वाला जो है बेचारा वो परेशान होके कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, वो परेशान ही घूमता रहता है। ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद भी सामने वाला देता ही नहीं, तो आपकी गलती क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने अपने जीवन में ज्योतिष कहीं से सीखा नहीं, मैंने खुद अपनी लाइफ पे प्रैक्टिकल कर करके, आप लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल कर करके जो सामने हकीकत आई उससे सीखा है। किताबी नॉलेज नहीं। एक आप लोगों के साथ बात शेयर करता हूं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सहमत ना हो, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सहमति असहमति खूब चलती है। क्योंकि एक विधा में कोई कुछ बोलता है और दूसरी विधा में उसी को लेके कोई कुछ और बोलता है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन रहती है हमेशा से ज्योतिष। बहुत सारे योग हमें बताए जाते हैं कि आपकी पत्री में ये योग बहुत अच्छा है, ये वो योग बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। बहुत सारे लोग देखे मैंने गजकेसरी योग लेके घूमते रहते हैं, होता कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे योग, उसका कारण क्या है? जब इन डेप्थ आप जाओगे तब समझ में आए। सहमति असहमति वाली बात जहां तक है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप कभी भी अपने जीवन में किताबों से ज्योतिष सीखने की कोशिश करोगे, मैं लिख के दे देता हूं, आप फेल हो जाओ। कहां फेल हो जाओगे? प्रिडिक्शन में। किताब से कभी प्रिडिक्शन आती ही नहीं। मैथमेटिक्स आपके पास बहुत सारी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपके साथ बहुत सारी जुड़ जाएंगी, गुणा भाग आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ये ग्रह ये वो नक्षत्र ये वो, कंक्लूड करना आपको नहीं आएगा। और जो हमारे पास आता है वो गणित सुनने नहीं आता। जो भी हमारे पास लोग अपनी पत्री पूछने आते हैं वो कहते हैं सीधी सीधी एक बात बताओ, मेरा ये सवाल है, इसका आपके पास क्या जवाब? यस और नो, ऑलमोस्ट ऐसे ही पूछते हैं लोग। और जीवन के सवाल मुश्किल से 5-7 ही, शादी कैसे होगी, मैरिड लाइफ कैसे होगी, एजुकेशन कैसे होगी, नौकरी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, करेगा तो क्या करेगा बच्चा, ऐसे ही कुछ 5-7 सवाल है हमारी जिंदगी। इससे ज्यादा किसी के पास सवाल होते नहीं। मैं कंसल्टेंसी में बहुत बार कहता हूँ मेरा 30 मिनट्स का स्लॉट है, सर 30 मिनट तो बहुत कम है, लेकिन यकीन मानो 15 मिनट के बाद ना वो उलझुल उलझुल से सवाल पूछने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब 15 मिनट का टाइम है, वो कैसे यूटिलाइज कर, असल सवाल तो वो पहले 5-10 मिनट में पूछ लेते हैं। और प्रिडिक्शन अगर कोई करना चाहता है तो पहले 1 मिनट में अगर किसी ने प्रिडिक्शन कर दी तो वो प्रिडिक्शन है। और अगर 1 मिनट से ज्यादा किसी एस्ट्रोलॉजर को सोचने में लगता है तो वो प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ये पहचान है, क्योंकि पहले मिनट में जो आप देखोगे
जो लोग ज्योतिष के हैं वो समझेंगे ज्यादा अच्छे से। पहले मिनट में जो आप देखोगे वो दृष्टि वीनस की होगी, दूसरे मिनट में आपका बुध चलने लगेगा और बुध फैसले नहीं देता, सीधा सीधा सा हिसाब, वीनस फैसले देता। इसीलिए बुध वाला ज्योतिष गणित बहुत अच्छे जानता होगा, प्रिडिक्शन खराब करेगा। वीनस वाले के पास प्रिडिक्शन नहीं होगी, प्रिडिक्शन होगी लेकिन उसके पास मैथ्स का सपोर्ट नहीं होगा, वो नहीं जानता कि मैथ्स क्या होता, उसको इस बात से कोई खास, आप उसे पूछोगे ना सर देखा कैसे वो बताओ, तो वो चुप जाएगा। पर वीनस जो है वो एक तरह से डिवाइन सपोर्ट होती है इंसान को, किसी भी इंसान को। पुत्री में कैसे देखना है आप लोगों में से सेकंड हाउस में वीनस किस किस का बैठा है? सेकंड हाउस में वीनस किस किस का बैठा है? सर मेरी वाइफ की कुंडली में है। आपकी वाइफ की कुंडली में है ना? यस सर। वो जो बोले मान लिया तो ओके सर, अब आप कहोगे मैं तो वैसे ही मान लेता हूँ। सर वो सही बात कहने वाला, तो उन्हीं की चलती है सर घर में। सर एक बात देखो, आप नोट करो, पत्री देखने के बहुत सिंपल सिंपल से सूत्र हैं, यहीं से बता रहा हूँ। ओके आप उनकी बात मान लेते हो, हर आदमी यही कहेगा मैं अपनी बीवी की बात ही मानता हूँ, चाहे माने या ना माने कहेगा ही। हाँ कहेगा ही। मैं बोल लेता हूँ, लेकिन आप नोट करो, आपने जब जब उनकी बात मानी होगी आपका काम बना होगा, जो उन्होंने कहा होगा वो हुआ होगा। ठंडे मन से अपने आप में अंदर 2 मिनट मंत्रणा करो, अपने से एनालाइज करो अपने जीवन को और चेक करो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कह सकते हैं सर ठीक है, होगा। दोबारा से आगे से याद रखना मेरी बात और टेस्ट करते रहना, आगे आगे से तो, चेक करके देखते हैं। इतना याद जो वो बोले मान लेना, जो वो बोले मान लेना। नहीं सर लेकिन अगर थोड़ा वो कोई उल्टा सीधा जवाब मतलब फैसला करेंगे तो थोड़ी मान लेंगे, फिर तो गलती हो जाएगा ना सर। वो जो अगर उनका फैसला होगा तो वो सीधा होगा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हमारे फैसले कभी सीधे या टेढ़े नहीं होते, हमारे सिर्फ फैसले होते हैं। समय अच्छा होगा तो हमारे लिए हुए डिसीजन सही साबित हो जाते हैं, अपनी तरफ से जान के गलत डिसीजन जिंदगी में कौन लेता है? आप में से कभी किसी ने जान के ऐसा डिसीजन लिया कि ये गलत होगा? नहीं जी नहीं, हम अपनी तरफ से सिर्फ डिसीजन लेते हैं। अगर हमारा समय अच्छा है तो हमारा लिया हुआ डिसीजन सही साबित हो जाता है, और अगर हमारा समय खराब होता है तो हमारा समय खराब होने के कारण हमने जो भी डिसीजन लिया है उससे बुरे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे हाथ में सिर्फ डिसीजन लेना है, सही या गलत समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ईश्वर ने यह वरदान दिया है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे, किसी ने आपकी सलाह मान ली तो आपका काम हो जाएगा। यस सर, ठीक है। इसको पत्री में कैसे देखते हैं मैंने उसकी एक छोटी सी बात भी आपके सामने पेश की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पत्री में बहुत कुछ देखना, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते सर। जैसे एक मिनट, अब मैं अपर हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बाद में करेंगे, है ना? ठीक है सर। हम आज जो बात करने आए हैं यहाँ पे वो आए हैं भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। इसके बारे में सब्जेक्ट की अवेयरनेस थोड़ी सी अभी कम है, उसका कारण ये है कि ये मेनली साउथ की एक विधा है। हमारे भारत में दक्षिण में ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं और फॉर्चुनेटली आज भी वो जिंदा है, नॉर्थ में बहुत सारी विधाएं खत्म हो गई। हमारे यहाँ वैदिक सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन आप लोगों को जान के शायद हैरानी हो कि ज्योतिष में पत्री को देखना और उसे प्रिडिक्ट करना, इसकी 175 से ज्यादा विधाएं हैं। कुछ हैं, कुछ गायब हो गई, कुछ के जानकार इक्का दुक्का ही बचे, और हर विधा अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, एक्यूरेट है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक इज द ओनली वे टू चेक, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई विधा नहीं है जो अपने आप में पूरी ना हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि मदर ऑफ ऑल क्या है तो मदर ऑफ ऑल वैदिक,
क्योंकि सब कुछ आखिरी में और शुरू में वैदिक ही है। अगर आपका वैदिक का बेस नहीं है तो आप कच्चे पड़ जाओ। प्रिडिक्शन के पार्ट में जब हम आते हैं, क्योंकि आजकल जमाना वो 2 मिनट्स वाला है, तो हर किसी को प्रिडिक्शन करनी है। तो वैदिक में आपके पास ज्ञान बहुत होता है। जब आप वैदिक सीखते हैं तो उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। किसी को अंदर समुन्दर में डुबकी लगानी हो ज्ञान के, तो वो 20-30 साल वैदिक सीखे आराम से, लेकिन वो ये भूल जाए कि वो उससे कुछ बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएगा। 15 साल 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो ऐसा सोच सकता है। लेकिन आजकल क्योंकि 2 मिनट का जमाना है, रिटेंशन हमारी बहुत कम है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते। उसी में से एक विधा जो है वो है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी के बारे में आप लोगों ने वैसे देखा होगा वैदिक में, जैसे बताते हैं कि उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग चार्ट होते हैं, जिसमें हम D9 चार्ट देखते हैं, D10 चार्ट देखते हैं, ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं, षोडश चार्ट होता है। भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी चार्ट नहीं देखते सिवाय D1 या लगन चार्ट के, और आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन, सारा का सारा मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ D1 से निकल आता है। D1 मतलब लग्न चार्ट। आपको कोई वर्क चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने पिछले दिनों देखा हमारे यहाँ भृगुनंदी नाड़ी में भी लोगों ने, बहुत सारों ने उसमें वैदिक को जोड़ के एक्सपेरिमेंट्स किए, किसी ने उसमें KP को जोड़ के एक्सपेरिमेंट्स किए, किसी ने उसमें नक्षत्र जोड़ के भी एक्सपेरिमेंट्स किए, और जिसकी जिसमें स्किल है वो उसको जोड़ के पढ़ा रहे। गलत सही ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो ऑथेंटिक BNN है वो उसमें कहीं खो जाती है। और यकीन मानिए ऑथेंटिक BNN बहुत ही आसान ज्योतिष, आप जैसे जैसे उसको कॉम्प्लिकेट कर, असल में हो क्या गया है कि जब तक कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज ना बताई जाए हमें लगता है ये तो बड़ी आसान है, और जो आसान है वो काम की नहीं। ये एक हमारा माइंडसेट है। डॉक्टर बोले एक गोली ले लो तुम ठीक हो जाओगे, हमें लगता है यार इसने पैसे 500 रुपए ले लिए देखने का और एक गोली बता दी, ये डॉक्टर अच्छा नहीं। ठीक, आपने उसी एक गोली से होना, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बन गया है मार्केट की वजह से। तो वो डॉक्टर भी आजकल क्या करता है, 5 गोलियां और 2 टेस्ट कम से कम कराता है। और ये हर फील्ड में है, सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि खूब सारी दवाइयां दें हम तभी ठीक होंगे। लोग रेमेडी के पीछे पड़ जाते हैं, रेमेडी दे दो, रेमेडी दे दो, रेमेडी दे दो। अरे रेमेडी जानने के लिए कि किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है, पहले उसकी स्टडी तो करो कि असल में तुम्हें प्लैनेट कौन सा परेशान कर रहा है। प्लैनेट कोई और परेशान कर रहा है, रेमेडी तुम किसी और की कर रहे हो, वो भी मुफ्त में मिले तो और अच्छा। नतीजा क्या होता है, आपको कोई रेमेडी कभी लगती ही नहीं। जो लोग रेमेडी के चक्कर में घूमते रहते हैं ना, वो रेमेडी 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 ही करते रहते हैं सारी जिंदगी। अपने घरों में कबूतर खाना बना लेते हैं रेमेडी के नाम, कहीं लाल थैली कहीं पीली थैली, कभी चावल बहा दिए, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। कुछ ज्यादा अच्छे मिल जाए कोई तो शमशान वमशान के भी कोई क्रिया करा देते हैं, तो वो सब चलता है। थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए कि ये ठीक नहीं। अगर आप अच्छे से कोई चीज सीख लो तो आपको ये परेशानियां होंगी नहीं। बहुत आसान है, मैं बार बार बोलता हूँ, ज्योतिष बहुत आसान है और BNN से ज्यादा आसान कुछ नहीं। बहुत से लोगों ने BNN में डिग्रीज का बहुत ज्यादा खेल कर दिया, वो पूरे कोर्स में डिग्री 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 ही पढ़ाते रहते हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ ऑथेंटिक BNN में डिग्री का रोल मुश्किल से मुश्किल 1-2 जगह आता है। इसके अलावा कहीं पे भी डिग्री का कोई यूज नहीं, क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन एक्चुअल जो BNN है उसमें डिग्रीज का कहीं पे भी यूज नहीं। मैं कुछ कोशिश करता हूं आज आप लोगों के साथ अपनी पत्री से आप लोग कुछ अपने बारे में कुछ जान सको, समझ सको, और
कुछ ऐसा जो आपके काम है। और सबसे लास्ट में बताऊंगा एक सूत्र कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, ताकि आप उस जगह पे अपने लिए काम कर सको, गलत दिशा में अपनी मेहनत नहीं करो और सही दिशा में करने से आपको आसानी से रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं बता सकूं। ये ज्योतिष की हमारी पत्री होती है, सभी लोग जानते हैं। भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों में से किसी का भी कैमरे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? आपके वीडियो में आपकी शक्ल, आपकी फोटो को कुछ नहीं आने वाली, सिर्फ मैं ही देखूंगा। तो हो सके तो कैमरा ऑन कर दूं। काली दीवार को बताते में बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं किससे मत्था मार रहा हूँ, मगर आप कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो फिर आए, है ना? और एक बात बता देता हूँ, जिनका सूर्य कमजोर होता है, जिनका वीनस कमजोर होता है, उनका कैमरा बड़ी मुश्किल से ऑन होता है। अपने ग्रह ठीक करो अगर कैमरा ऑन करोगे, ठीक है? जैसे ही मैं कहता हूँ ना पैसा आता है तो फटाक से सब कैमरे ऑन हो जाते, कैमरा बंद रखोगे तो पैसा नहीं आएगा। कारण बताए, ये जो स्क्रीन है ना जो मेरे सामने आ रही है, ये स्क्रीन जो है, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो सिनेमा की हो, चाहे वो टीवी की हो, ये सब क्या बताते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन, है ना? सिल्वर स्क्रीन क्या होती है, कौन सा प्लैनेट होता है? सिल्वर स्क्रीन वीनस होता है। मैंने एक वीडियो में ऐसे ही कुछ बोला था तो कुछ लोगों ने कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे, ये जो सिल्वर स्क्रीन है ना ये वीनस होती है, और वीनस होता है आपका पैसा। अगर आप कैमरा बंद करके बैठे हो इसका मतलब आपका वीनस कमजोर है, और पब्लिक में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते इसका मतलब सूर्य कमजोर है, ठीक है? आपका कैमरा बंद है ना, आपका वीनस कमजोर करते हो आप, किसी की शक्ल नहीं आने वाली, मेरी आएगी सिर्फ, टेंशन मत लो, और कैमरा ऑन रखो अगर हो सके, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो अलग बात है। चलिए, अपनी अपनी पत्री में से जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं इसको मिलाइएगा। मैंने पिछले डेमो में सन के बारे में बात करी थी, आज मैं बात करता हूं वीनस के बारे में। वीनस कैसा प्लैनेट है, क्या देता है? वीनस देता है धन, वीनस देता है वैभव, वीनस देता है लग्जरी, वीनस देता है शौक, और वो भी कैसे, अच्छा है तो महंगे। और वीनस जो है वो हमारी आंखों की रोशनी होती है, जिसको हम आंखों की ज्योति बोलते हैं ना, वो वीनस होती है। ये पत्री से तो सभी लोग आप लोग वाकिफ होंगे, सबको पता है ये क्या होता है। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि ग्रह कैसा है, कैसा है, कैसा है करके। ज्योतिष में सबसे आसान और सबसे मुश्किल प्रश्न अगर कोई है तो वो ये है कि मेरा ये ग्रह कैसा है। कोई बताता है अच्छा और कोई बताता है खराब, कुछ जांचने के बेसिक तरीके हैं वो बताते। ये फर्स्ट हाउस है, आप सभी लोगों को पता है। अभी हम यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी राशि के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। लगन में वीनस जिसका होगा उस इंसान को मॉडलिंग का, सिल्वर स्क्रीन पे आने का, चमक धमक वाले कपड़े साफ सुथरे पहनने का, दिन में दो बार नहाने का, दो या तीन बार कपड़े बदलने का शौक होगा।
लगन में वीनस है, आंखें कमजोर होंगी, छोटी उम्र में चश्मा लग सकता है, 80% केसेस में ये सारी चीजें लगेंगी। किसी का है लगन में वीनस यहाँ पे, फर्स्ट हाउस में वीनस, राशि कोई सी भी हो, राशि नहीं पूछ रहा मैं, जिसका है वो बोले जरा एक बार ऑडियो ऑन करके। मैं सार्थक ऑडियो ऑन नहीं हो रहा क्या? कैसे हो उदय जी? हो गया सर, हो गया सर। बड़े भाई की कुंडली में है सर, मेरे 2 नंबर की लग्न में। नंबर से कोई मतलब नहीं, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में वीनस है ना, चश्मा लग गया उनको, दृष्टि भी मैटर करती है। वैदिक में दृष्टियां होती हैं, बीएनएन में दृष्टियां नहीं होती, बीएनएन में दृष्टियां दूसरे तरीके से देखी जाती। मेरे फ्रेंड का अपना, वैदिक का अपना बैगेज लेके बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखते हैं। मेरे फ्रेंड के है सर, सर मेरे एक फ्रेंड के फर्स्ट हाउस में है, वो सर बाले एकदम बाल बाल रंगा वगा के, चश्मे अच्छे लगा वगा के, एकदम टिप टॉप रहता है। नजर का चश्मा लगा कि नहीं? नहीं चश्मा नहीं लगा, लेकिन सर जो आपने बोला ना टिप टॉप एकदम कपड़े बदलना, बाकी आदतें अब वो सारी एकदम ऐसो आराम वाली जिंदगी, पार्टी सारी पार्टी तो महीने में चाहिए उसको एक बार, बाल बाल 2-3 कलर कराए रहता है एकदम। तो ये है सर, कपड़े कितने बार बदलता है? 2-3 बार तो बदल देता है वो सर, जब भी आएगा ना पीछे से म्यूट रखिए, अगर अभी बोलने का आपका नहीं है वो सर जब भी आएगा ना तो ऐसे कपड़े 2-3 पहने रहेगा, ऊपर से एक निकाल देगा कुछ टाइम बाद, फिर उसको रख लेगा, फिर नीचे वाले दिखने, फिर उसको भी मतलब उसको दिखना है थोड़ा लुक। 4-6 घंटे में कपड़े बदल जाते हैं। हाँ कपड़े और बहुत दफे आप देखोगे उनके बाल भी घुंघराले होते हैं। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, बालों में कर्लीनेस होगी सर, तो होगी। आजकल ट्रिम ट्रिम करा लेते हैं लोग, या जी 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 ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन नेचुरल जो होगा और उनमें कोई ना कोई आर्ट की फॉर्म भी होगी, कोई ना कोई आर्ट फॉर्म, कोई ना कोई क्रिएटिविटी वो भी जरूर होगी। स्केच सर बहुत अच्छा है उसका, स्केच जो करता है अगर उसको दे दीजिए तो बिना मतलब उसकी स्टडी किए, बिना उसकी नॉलेज लिए भी उसकी, बट नेचुरल स्केच उसकी बहुत अच्छी है। सेकेंड हाउस में वीनस, और भी कुछ लोगों ने मेरे को नीचे चैट में लिखा है, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, अगर कोई शेयर करना चाहे तो कोई एक। पीछे से शोर आ रहा है तो मैं बंद करना पड़ा। अच्छा सर, सेकेंड हाउस वीनस, और मैं फिर बार बार बोल रहा हूं राशि की बात हम नहीं कर रहे यहां, सेकेंड हाउस वीनस, सेकेंड हाउस में अगर आपका वीनस है तो ऐसे इंसान की तरक्की शादी के बाद बेहिसाब होगी। ये कुछ सूत्र हैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, और उसकी वाणी ऐसी होगी कि वो जब बोलेगा तो उसके सुनने वाले उसके साथ बैठ के सुनते रहेंगे, हटेंगे नहीं वहां से। बहुत अच्छा स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर किसको कहते हैं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, इतना मीठा इतना मोहक कि उसको रुकने का मन नहीं करता, उसके पास से उठने का मन नहीं करता। ऐसे आदमी के पास शादी के बाद उसकी तरक्की होती है, हो सकता है शादी के पहले उसके पास कुछ ना हो, ये पॉसिबल है खासतौर से मेल चार्ट, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसके पास पैसा अपने आप आने लग जाएगा। कहां से आएगा?
कैसे आएगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन शादी के बाद उसका पैसा जुड़ता जाएगा, उसके पास पैसा आता जाएगा। है किसी का सेकंड हाउस वीनस? मैसेज डालो कोई तो मैं आपको ऑडियो ऑन करता हूं। मानवी, मानवी बेटा ये अभी तो बताना मुश्किल है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ये अभी बेसिक चीजें हैं, ये तो थोड़ा वीडियो वीडियो देखो तो समझ में आएगा। गणपति, हाँ गणपति बोलो। सेकंड हाउस वीनस, हाँ सर वीनस है सर, मरकरी और मार्स के साथ है, लेकिन जब वो बच्ची का है सर, फीमेल चार्ट में है, लेकिन जब बोलती है तो मतलब बोलती है, मतलब उसको लोग सुनने बैठ जाते हैं ना। हाँ वो अगर वो किसी सिंपल भी कहानी को नरेट करती है तो मतलब आप बस सुनिए, कोई भी सिंपल मैटर पे बोल रही है तो उसको आप सुनिए बस, मतलब आप जो कहानी आप सुनना भी नहीं चाहेंगे उसको भी सुनने लगेंगे। ऐसे लोग गाएं तो गाना बड़ा सुरीला गाते। जी 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 सर, मतलब बचपन में तो बहुत अच्छी, मतलब इनको बहुत म्यूजिक सीखने की जरूरत नहीं है, ये बाय बर्थ सिंगर हैं। इन लोगों को कविताएं गाने पढ़ने, गाने लिखने, इन सब चीजों का बहुत शौक होता है। आपने बोला मर्करी के साथ है तो वो गाने लिखेगी भी सही। जी सर, इंडियन आइडल की सर बहुत ज्यादा मतलब, और म्यूजिक की परख बहुत है सर उसको, म्यूजिक ऐसे लोग इनबॉर्न टैलेंट होता है, इनको कोई भी एक साज इनको कोई ना कोई बजाना जरूर आएगा। जी सर, और आप क्या बता रहे हो, राशि कौन सी है वहां पे, अभी बता देता हूँ कौन सा साज बजा सकती है। राशि सर राशि उसकी पड़ती है फिफ्थ, फिफ्थ लियो, फिफ्थ पड़ती है, लियो साइन तबले पे पड़ती है। हाथ बहुत बढ़िया चलता होगा। हाँ सर बचपन में मतलब सीखी है म्यूजिक में, तबला ही सीखी है। हाँ तबला ही सीखेगी, टेबल बजाती होगी। जी सर, हाँ टेबल पे अगर पढ़ रही है तो उसका हाथ चलने लगता है अपने आप चलेगा, और इतने लय में चलेगा कि सुनने वाला सोचेगा यार इसको आता कैसे, इतना छोटा सा बच्चा, वो कहेगा इसमें क्या है, ता दिन दिन ना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसको रिदम आती है, उसके साथ आई है वो। जी 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 सर बिल्कुल। कोई बता सकता है तबला क्यों? जो लोग जो जानते हैं बहुत अच्छा, मैं उनसे खासतौर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो डिकोड करे इसको, तबला क्यों, मैंने और कोई साज क्यों नहीं बोला। हाँ जी वंदना जी, सर मार्स एनर्जी है। एक मिनट वंदना जी बोल रही। हाँ वंदना जी, हाथ आएंगे ना, है ना, और राशि कौन सी है, पांचवी। पांचवी किसका साज बजाएगा? अरे राजा का साज बजाएगा, राजा की राशि है ना। सही है सही है। तो राजा का साज क्या होता है, बांसुरी होती है, नहीं ना, ढोल नगाड़े होते हैं ना। हाँ जी। अब आज के जमाने में ढोल नगाड़े तो शायद ना मिले, अवेलेबल नहीं है घर घर में कम से कम, है ना सर। तो ये नहीं हो सकता क्या सर, ये नहीं हो सकता क्या कि मार्स, मार्स के साथ है, मार्स एनर्जी है, तो उसमें एक्शन तो आ ही गया ना, मरकरी हैंड है सर, तो आ ही गई ना, मरकरी हैंड है सर, मरकरी हाथ है, धबधब मंगल है। अच्छा सर, जो आपने होते हैं जो ड्रम बजाते हैं, अभी ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, एक ही टॉपिक पर बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिंपल सिंपल से सूत्र हैं, और ये आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ, क्लास में लॉजिक के साथ बताऊंगा। जैसे अभी ये एक लॉजिक आप लोगों के सामने बताया कि ऐसा है इस वजह से तबला, ठीक है, बहुत आसान है पत्री, देखना आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, क्या पढ़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, जबरदस्ती लगे उसको डॉक्टर बनाने में, उसे म्यूजिशियन बनना है, चार्ट देखो, चार्ट बोलेगा, ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में कौन है, वीनस। काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में लॉर्डशिप किसकी है, मरकरी की है ना, और बैठा कौन है वहां पे, वीनस बैठा है। तो वीनस और मरकरी के आपस में रिश्ता क्या है, बुध कहता है मैं दो दूंगा, वीनस कहता है मैं पैसा हूं, ऐसे आदमी के धन कमाने के कम से कम 200 सो। है किसी का तीसरे हाउस में वीनस, यहाँ पे 80 के आसपास लोग हैं, 70 के आसपास, बताइए थर्ड हाउस वीनस है किसी का,
डॉक्टर विजय। हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा जिनका हैंड कोई बात नहीं चंद्र के साथ है तो उसमें क्या होगा कि चंद्रमा जो है वो मूवमेंट का कारक होता है। ऐसे में धन के दो सोर्स होंगे और चंद्रमा की वजह से उसका धन घटता बढ़ता रहेगा। एक बार जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा कि जब उसका धन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। अशोक जी, अशोक जी हैंड रेस करिए, मुझे दिख नहीं रहे हो आप। अशोक जी का है अशोक जी, एक मिनट में ऑडियो आप लोगों के लिए इनेबल कर देता हूँ। अशोक जी बोलेंगे सिर्फ, है ना। हाँ जी अशोक जी। लेके जाओ घर पे अभी सब मीटिंग। अशोक जी सामने नहीं आ रहे। और किसी का है जी सर? थर्ड हाउस वीनस। हाँ जी। अरे सारे आप लेके बैठे हो। सुनील आहूजा जी, आहूजा जी बताओ एक मिनट, थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। आहूजा जी जी बताओ सर, क्या क्या लिखा? पैसे कमाने के दो सोर्स। अभी तक तो सर उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 30 साल का है और अभी एक्टिंग से और मीडिया से कमा रहा है। जब उसकी एज आगे होगी तब कहूंगा, लेकिन हाँ ये उसी गाड़ी वाड़ी भरी ना करूं सब उसको प्ले। हाँ जी बोलिए आप। औजा जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ अभी तो उसकी एज ज्यादा नहीं है, 22-23 साल का है, लेकिन हाँ उसकी जो अर्निंग है वो काफी पहले से शुरू हो गई थी। ऐसे लोग कमाना थोड़ी कम उम्र में कर देते, क्योंकि बुध की राशि है ना, तो बुध बच्चा है, तो ऐसा आदमी 16-17-18 साल की उम्र में उसको कहीं ना कहीं से पैसा आने लग जाता है। वो 15-16 साल से ही, मतलब जब से वो पढ़ता था ना, स्कूल पढ़ता था, तभी से कुछ ना कुछ नहीं मार्केट से लाकर के कुछ मैनिपुलेट करके बेचता था। 16 साल पार होते ही पैसा आना शुरू हो जाता है। और बताऊं ऐसे बच्चे ये वो भी होते हैं जब रिश्तेदार आते हैं ना, तो किसी को 200 रुपए दे के जाएंगे, इस बच्चे को 500 का नोट दे के जाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है ना, ऐसे बिल्कुल कहीं ना कहीं से उसको पैसा आना है, कैसे भी आएगा। आता रहता है उसके पास पैसा हमेशा। गुड, सूत्र लग गया मतलब, है ना। चौथे हाउस में, चौथे हाउस में वीनस किसका है यहाँ पे, पहले तो मैं पूछ लूं, इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा जिनका है सिर्फ वो अपना ऑडियो म्यूट करेंगे, बाकी लोग अनम्यूट नहीं करेंगे। चौथा मेरा है, मेरा नाम लीजिएगा, मेरा सार्थक, सार्थक गुप्ता। छोटे भाई कैसा? छोटे भाई गुरुजी समित शुक्ला। हाँ ठीक है सर, मेरा भी उसमें वीनस होगा, तो ऐसे इंसान को अपना घर सजाने का, सफाई का बहुत ज्यादा शौक होगा। शौक नहीं होगा मतलब एक हद से ज्यादा एक पैशनेट होगा, जैसे ना बंदा कोई कि मुझे घर अपना बहुत अच्छा सजाना है, अनलेस कोई पापी ग्रह उस पर असर नहीं डाल रहा। अगर किसी स्त्री की कुंडली में वीनस के साथ राहु या खराब चंद्रमा हो, वो औरत कितना ही प्रयास कर ले अपना घर सजा के नहीं रख सकती, उससे होगा ही नहीं। और अगर वो कर भी देगी तो घंटे दो घंटे में कुछ ना कुछ हो जाएगा और पूरा घर वापस से खराब हो जाएगा। सर मेरा है फोर्थ हाउस में, तो मेरी वाइफ को साफ सफाई की बहुत मतलब अच्छा लगता है उनको, मुझे भी घर में प्लांट्स अच्छे लगते हैं सब, मतलब आपका घर बड़ा है काफी। हाँ जी सर बड़ा है। और आपके घर में कोई खेती बाड़ी का स्थान भी है, थोड़ा बहुत क्यारी क्यूरी कुछ लगी हो? जी सर बिल्कुल है, है ना।
गुरु जी मेरा भी फोर्थ हाउस में है। हाँ जी आप भी सजा के रखते हो? सर कोशिश करता हूँ पर होता नहीं है। सर मैं हमारे तो बताया ना पापी ग्रह का असर होगा तभी। सर केतु तो पापी ग्रह नहीं है। कौन कहता है? नहीं सर राहु को कहते हैं केतु पापी ग्रह नहीं है सर। अच्छा सर मेरे फोर्थ हाउस में है चंद्र के साथ और मेरे घर घर के मतलब कॉर्नर में थोड़ी सी स्पेस है वहां पे मैं सब्जियां वगैरह गार्डनिंग वगैरह फूल पौधे सब कुछ लगा रखता हूं। बिल्कुल होगा। मैं तो कहा क्यारी होगी आपके घर में। क्यारी है सर। शनि की दृष्टि है सर। सर दृष्टियां नहीं गिनते हम इसमें। वैदिक की दृष्टियां अलग होती है, इसकी दृष्टियां अलग तरीके से होती है। क्यारियां होंगी अब वो तो आपके चेहरे पे लिखा। मैंने तो पहले ही कहा आपका वीनस राहु जुड़ा हुआ है। सर प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है। जो घर का एक्सटीरियर है वो इनको हमेशा व्हाइट ब्राइट चमकता हुआ घर देखना वही पसंद होगा। अगर घर के एक्सटीरियर में थोड़ा सा भी कहीं कुछ लोचा हो गया, कोई दाग दूग पड़ गया, इन्होंने फट बंदा बुलाना है, लगाओ भी इसको जरा दाग आ गया इसको ठीक। सेम है सर सेम है। मैं कुछ भी हो जाए घर के पास एक तालाब भी है। तालाब टैंकी पानी का सोर्स कोई ना कोई आपके घर के पास बिल्कुल है। हाँ जी सर एक दो किलोमीटर दूर है सर। हो गई होगा सर। बात पूछनी थी प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपने राहु और विनस का कनेक्शन कैसे किया? आपके चेहरे पे लिखा है सर। नहीं सर मेरे चेहरे पे तो लिखा है, मेरी हॉरोस्कोप के हिसाब से भी तो बता दो प्लीज। दोनों साथ साथ बैठे हैं ना आगे पीछे? सर हाँ जी विनस विनस के पीछे राहु बैठा है। आपके आपके घर में आपके डाइनिंग आपके घर के डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो और आपकी साथ वाली चेयर में एक और प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप दोनों में दोस्ती यारी होगी कि नहीं होगी? हम मुंह फेर के चाय पियोगे? नहीं नहीं सर होगी होगी सर। ये BNN का कमाल है, ये और कहीं किसी विधा में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। प्लैनेट कैसे हमारे जीवन में रिजल्ट देते हैं उसका सबसे इजी फॉर्मूला जो है वो ये है। सर मुझे एक चीज और पूछनी है कि अगर देखिए पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे है ना सबकी सबको थोड़ा सा मिले थोड़ा लिमिट में रखेंगे। हाँ जी अंजू जी मेरा भी है बुद्ध के साथ। बुद्ध के साथ? अच्छा एक बार बताओ आपने जब भी गाड़ी खरीदी तो दो खरीदी या मकान और गाड़ी दोनों एक साथ खरीदी? एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी घर में साथ साथ आई, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं सर मैं अभी बैचलर ही हूँ तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा होगा आप देखना। मैं भी यही पूछ रही थी। और मेरा बुद्ध भी है वीनस भी है साथ में ही है फोर्थ हाउस में। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ? नहीं बट आप वो जो घर का बोल रहे हो ना कितनी भी सफाई करूं दो घंटे में बच्चे पूरा बिखेर देते हैं आके फिर छोड़ ही देती हूँ। और ग्रीनरी बहुत है सर, प्लांटेशन बहुत करती हूँ मैं। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, चलो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा फिर टॉपिक के बाहर तो फिर वो मेरे में यही प्रॉब्लम है कि मैं भटक जाता हूँ। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट हर एक से कर रहा हूँ कि ऑडियो पीछे का बंद रखिए, बात करके बंद कर दीजिए, बाकी को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वीनस इन फिफ्थ हाउस वीनस अगर आपका सब म्यूट कर दो सब कुछ को सभी को। वीनस अगर फिफ्थ हाउस में होगा तो क्या होगा? अगर वीनस आपका पांचवें घर में है तो पांचवा घर काल पुरुष की कुंडली में किसका है? सूर्य का। और सूर्य और वीनस आपस में मित्र नहीं है, ये एक दूसरे के शत्रु हैं, जबकि रहते एक साथ हैं। हर राजा के पास हीरे जवाहरात रत्न सब होते हैं, ये सब वीनस ही तो है ना।
हर राजा के पास होते हैं, लेकिन फिर भी राजा उन जवाहरातों के पीछे नहीं पड़ता। राजा का काम हीरे जवाहरात और खजाने भरना नहीं है, जनता की सेवा करना है। राजा अगर वीनस वैभव, वीनस क्या है, वैभव है ना, राजा अगर वैभव के पीछे पड़ गया और वो गलत दिशा में मुड़ गई बातें, तो क्या होगा, राजा जो है वो कैसा हो जाएगा, बस सुरा और सुंदरी में डूबा रहेगा। नतीजा क्या होगा, राजकाज चौपट हो जाएगा। तो वीनस जो है फिफ्थ हाउस में एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, ठीक है, कुछ चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों के लिए वीनस यहाँ पे बुरे रिजल्ट भी देता है, कुछ चीजों में अच्छे रिजल्ट देगा, तो ये मिक्स देता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों रहते साथ साथ। वीनस छठा हाउस, छठे हाउस में वीनस होगा तो क्या होगा, छठा हाउस है रोग ऋण शत्रु का, सिक्स्थ हाउस इज रोग ऋण और शत्रु। जब छठे हाउस में रोग ऋण शत्रु होंगे तो क्या होगा, मेल की पत्री में अगर सिक्स हाउस में वीनस है तो उसकी पत्नी बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो बीमार रहे। जो मेल है उनमें से मैं स्पेशली पूछ रहा हूं, अगर आप में से किसी की पत्नी में वीनस सिक्स हाउस है और उनकी वाइफ बीमार ना हो, ऐसा है। हेलो सर, सर जिसकी शादी हो गई है वो बताएं, अभी अभी बच्चे की कुंडली के बारे में बात करने से टेल ही नहीं होगी ना चीज़ें। सर मेरे हस्बैंड की कुंडली में है और मैं बीमार रहती हूँ बहुत, फैक्ट है सर, एकदम फैक्ट है। अच्छा एक चीज और बताऊं, शादी से पहले बीमार नहीं थे, बीमार शादी के बाद? बिल्कुल नहीं सर, कभी जुकाम की गोली नहीं खाई कभी मैंने, जब से शादी हुई है तब से बीमार रहती हूँ। कई बार लोग ऐसे कह देते हैं, पहले बताया नहीं लड़की इतनी बीमार रहती है, अरे भाई उसकी पत्री में लिखा है शादी से पहले उसको जुकाम की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन क्या करे उसकी पत्री में ये योग है शादी के बाद बीमार हो जाएगी। और बीमारी ऐसी, बीमारी ऐसी कि अगर वो अपने जन्म स्थान पे ही रह रही है तो ठीक नहीं होगी, दवाइयां सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। मतलब सर सिटी चेंज करना पड़ेगा, जन्म स्थान छोड़ना, मतलब आप अपने जन्म स्थान से 100-200 किलोमीटर के अंदर हो? नहीं, एरिया चेंज है, सिटी से एरिया 20 किलोमीटर सेम है, तो 50 किलोमीटर भी नहीं रहा ना फिर तो। हाँ 20 किलोमीटर से दूर हो, जन्म स्थान पे ही हो ना, इसका मतलब अपना जन्म स्थान 10-20 किलोमीटर तक तो हम मानते ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ अगर 100-200 के अंदर भी हो तो भी बीमार रहोगे, अगर आपको ठीक होना है, रेमेडी बता रहा हूँ। अभी कहोगे ये कैसे करूँ, ये तो बड़ी मुश्किल है। नहीं नहीं सर, बता जन्म स्थान, अपने जन्म स्थान पे नहीं होगे, अगर कभी ऐसा मौका मिले जो अपने जन्म स्थान से दूर जाके कोई सेटलमेंट हो जाए तो वो कर लेना। सर हस्बैंड को आ रहे हैं ट्रांसफर के, मैं ही नहीं करने देती हूँ। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष यहीं पे तो आपकी मदद करता है। ट्रांसफर हो रहा हो और 500-700 किलोमीटर दूर हो रहा हो तो एक मिनट नहीं लगाना। अच्छा, अगर लोकल सिटी में हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, 100-200 किलोमीटर में हो रहा है तो भी कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर हाँ 500-700-800 किलोमीटर दूर, अगर कहीं गलती से 1000-1200 किलोमीटर दूर हो गया तो आप जैसे पहले आपने कभी गोली नहीं खाई ना, वैसे आप दोबारा कभी गोली नहीं खाओगे, आपकी जरूरत ही नहीं। सर थैंक यू सो मच, बहुत परेशान हूँ मैं, स्पेशली वो पेन्स बहुत रहते हैं। कितना कोई बहुत ज्यादा हमने इक्वेशन देखी, कौन सा ग्रह है कहाँ पे बैठा, क्या रिजल्ट दे रहा है, किसकी दृष्टि, किसकी युति, D1 चार्ट, D10 चार्ट, D9 चार्ट, कुछ देखा क्या? नहीं सर, राशि भी नहीं देखी। मैंने आपसे पूछा आपकी छठे हाउस में कौन सी राशि है, नहीं पूछा ना? नहीं नहीं सर, सीधा सीधा सूत्र है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। पत्री मिलान का, शादी के लिए पत्री मिलान का ऐसा सूत्र बता दूंगा कि आप पत्री मिलाने के लिए अगर लड़का लड़की की पत्री आती है आपके पास तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स आपके लिए, शुरुआत में मुझे लगता है 2 मिनट, 1 से 2 मिनट में आप बता दोगे कि ये शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
किसी ऐप की, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर दोनों का सिर्फ D1 चार्ट आपके पास है। कोई डेटा नहीं देखना, हाथ से कागज पे D1 चार्ट बना दे कोई दोनों बच्चों का, तो मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इतना आसान है, इतने आसान आसान सूत्र हैं। वीनस इन सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा होता है। मेरे दामाद का है, मेरे दामाद क्या है, दामाद का है। अच्छा, शादी के बाद उसका धंधा खूब चला ना? हाँ सर, सिस्टर उसको मतलब काफी लकी लगी, इसीलिए तो लगी क्योंकि उसकी पत्री में है ना जी, सेवेंथ हाउस में वीनस। मेरा भी है सर, शादी हो गई। हाँ हाँ सर, मेरे बेटे का है। चाहे वो निकम्मा निटल्ला बैठो और सेवेंथ हाउस वीनस है लड़के की पत्नी में, उसका शादी का कर देना इंतजाम। शादी हुई नहीं कि उसका काम धंधा, उसका उसके बिना चलना ही नहीं है काम धंधा। आप सोचोगे ये कमा ले तो मैं इसको शादी करूं, इसकी कमा ले तो मैं शादी करूं, सेटल हो जाए तो शादी करूं, मत सोचना। अगर उसकी पत्री में ये योग है उसको शादी कर देना, उसका काम धंधा अपने आप सेटल हो जाएगा। आप लगे रहो 5 साल नहीं कर पाओगे। और अगर सातवीं दृष्टि डाल रहे तो दृष्टि नहीं होती सर हमारा, ठीक है सर। और अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है शादी से पहले भी, ऐसा थोड़ी है कि वो शादी से पहले खराब ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अच्छा भी हो सकता है। अगर शादी से पहले वो बहुत अच्छा कर रहा है तो जितना वो कर रहा है वो सिर्फ 10-20% है, शादी के बाद 80% ऐड होने वाला है। आप उसकी हैसियत का अंदाजा लगा लो। अगर आज वो 20,000 रुपए कमाता है सपोज, शादी हो जाएगी ना तो 1.5 लाख कमाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसको इनटू ऐसे सभी फिगर्स में कर सकते हो, आज की प्रेजेंट की उसकी कमाई इनटू 6 गुना 7 गुना आराम से कर सकते। सर एक बच्ची का है तो बस वीनस के साथ मून है, तो फिर उसकी देखो वीनस के साथ जब भी आप लोगों की पत्री में से किसी में भी वीनस के साथ अगर मून होगा ना, तो ऐसे आदमी को फाइनेंस उसके हाथ में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आया नहीं कि खर्चा किया नहीं, इधर आया उधर गया। आप लोगों में से किसका किसका वीनस मून एक साथ एक ही हाउस में? सर मेरा, सर मेरा वीनस के साथ ये ये आदमी जो ये लोग जो होते हैं ना, इनको फाइनेंस मैनेजमेंट कभी नहीं देनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सर मेरे साथ इनको चाहिए कि अपना पैसा जो है अपनी पार्टनर के पास रखें, वो मैनेज करे, वही ज्यादा अच्छा है। अगर इन्होंने मैनेज किया तो जिंदगी में एक बार लाइफ में ये जीरो पे जरूर आएंगे, जब इनका बैंक बैलेंस माइनस में चला जाएगा। सर मेरा शुक्र के साथ सर बुध है और गुरु है, राहु है, नहीं अभी अभी हम चंद्रमा की बात, सूर्य है अभी हम चंद्रमा, अभी वीनस और मून की बात करें। वीनस और मून किसी का आप में से किसी का एक साथ है? मेरे साथ ऐसा ही सेम, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना, पैसा आते ही इन लोगों के हाथों में खुजली हो जाती है, कहाँ खर्च करूँ। और जब तक ये पैसे को खर्च नहीं कर देते तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। मान लो मेरे अकाउंट में 12:30 में पैसे आए और 10 सेकंड रुकेंगे नहीं, वो रुक ही नहीं सकते। ये सबसे बुरे फाइनेंस मैनेजर होते हैं, इनके हाथ में पैसा दे देनी चाहिए। अगर आज अच्छा लगे मेरा आइडिया तो आज से अपने फाइनेंसेस अपने घर वालों को पकड़ा दो, आप मत मैनेज करो अगर जोड़ में है पैसे। अच्छा एक चीज और होती है, अगर मान लो इन्होंने अपनी वाइफ को भी दे दिया, सपोज किसी ने भी, मेरी पत्री में भी है ही जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने अपने फंड्स वाइफ को भी दे दिए तो ये पता है क्या करेंगे, वाइफ के सामने खर्चे को ऐसा इमोशनली जस्टिफाई करेंगे, ऐसा इमोशनली जस्टिफाई करेंगे कि वो खुद लाके दे देंगे, अच्छा भाई ले जाओ करो ये बहुत जरूरी है सर, बिल्कुल, और ये लेके निकल लेंगे, देखा मेरा काम हो, ऐसे ही होता है सर।
मैंने कौन सी पत्री दिखी आपकी बताओ? बिल्कुल सेम सर, इतना आसान है ये। और क्यों हुआ है सर? इसके पीछे सूत्र क्या है? सूत्र नहीं लिखवाऊंगा आज, जो ये पढ़ रहे हो ये तो डेमो है, तो मैं सूत्र आप लोगों को बता रहा हूं। कल को जब आप ज्योतिष बन जाओगे तो आपके पास लोग आएंगे तो क्या सूत्र की किताब खोल के देखोगे इसकी किताब में, इसकी पत्री में कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है? मेरे पास तो 700 सूत्र लिखे हैं, आजकल कैसे चल रहा है 50 सूत्र देंगे, 500 सूत्र देंगे, 1000 सूत्र देंगे। तो सूत्र मेरे से ले लो 1000, लिखो उसको पीडीएफ में, और उसके बाद जब कोई आए तो उखलना रुको यार अभी मैं तुम्हारी पीडीएफ खोलता हूँ, जरा मैं देखूं कौन सा योग तुम्हारे में लगा है उसका क्या नतीजा होता है। कर सकते हो प्रेडिक्शन ऐसे? पॉसिबल है? नो सर, नो, कभी नहीं कर सकते। वो सूत्र बनते कैसे हैं? उन सूत्रों के पीछे जो कोडिंग है वो क्या है, उसको कैसे डिकोड करना है, क्लास में वो सीखने को आपको मिलेगा। तब आपको ये सारे सूत्र याद नहीं रखने पड़ेंगे, ये अपने आप आएंगे। मैं जब क्लास करता हूं क्लास से एक मिनट पहले तक मुझे नहीं पता होता कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। सब यहां पे है। आज बच्चों बोलो क्या पढ़ाओ? सर आज शादी पढ़ा दो। चलो आज शादी कर, तो मैरिज का चैप्टर खोल दिया। कहानियां हैं, कहानी याद हो जाती है तो कहानी याद कर लो मेरे साथ बैठ के, भूलेगी नहीं सारी जिंदगी। मैथ्स के सम लगाए थे ना बचपन में, सबने लगाए होंगे किसी ना किसी लेवल तक, तो सभी ने लगाए होंगे। ज्यादा पढ़ लिख गए तो न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे, उसके बाद भी पढ़ गए होंगे तो और भी बहुत सारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं क्या क्या किया होगा। याद है किसी को कुछ? किसी को एक सूत्र भी याद हो तो बता दो जिसके आप मास्टर थे, जिस मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के आप मास्टर थे, आज आपको याद है? कोई है तो बताओ मुझे। नहीं याद हो सकता क्योंकि दिमाग मैथमेटिक्स को याद नहीं रख पाता, वो याद रखता है कहानियों को। तो रामायण इतनी बार सुनी है याद है, नोट्स नहीं बनाने पड़ते। वीनस 8th हाउस सर, मेरे दोनों बेटों का है। 8th हाउस सर, मेरे दो बेटे हैं सर। जी सर, एक बेटे के में सिर्फ वीनस है और दूसरे के में शुक्र और शनि है। अच्छा सर, 7th हाउस में शुक्र शादी में देरी होती है। 7th हाउस में हाँ, तो शादी में देरी होती है। दो दो लोग बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बोले प्लीज। हाँ स्वाति जी, आप बोलिए। क्या बोला? 7th हाउस में शुक्र रहा तो शादी में देरी होती है। मेरी बेटी का है। नहीं नहीं, वहाँ कोई और रीजन होगा। अच्छा, सिर्फ 7th हाउस वीनस से शादी के बारे में बात नहीं की जा सकती। अच्छा ठीक है, शादी देखना एक सिर्फ 2 या 3 क्लास, दो दो घंटे की 2 या 3 क्लास। अच्छा, शादी और डिवोर्स के बारे में ऐसा पक्का कर दूंगा कि पत्री देखने के बाद यू विल नीड ओनली 1 मिनट टू प्रेडिक्ट कि ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी चलेगी। 1-1.5 मिनट में आप प्रेडिक्शन दे सकते हो, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं, इतने सरल सूत्र हैं। तरीका बहुत सिंपल है, याद रख लो हो जाएगा। और याद भी वैसे नहीं रखना जैसे बचपन में न्यूमेरिकल्स ध्यान रखे थे, सूत्र ध्यान रखे थे, वैसा कुछ नहीं है मेरे पास। कहानी के फॉर्मेट में अपने आप याद हो जाता है, उसको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। 8th हाउस वीनस, लड़की जिस, अगर मान लो लड़के की पत्री में है तो उसका ससुराल बहुत पैसे वाला होगा। जिस घर से भी उसकी पत्नी आएगी वो ससुराल बहुत पैसे वाला होगा। सर मेरा है सर, और शुक्र शुक्र सर एक साथ। एक मिनट रुको, अभी पर्सनल अभी अभी उस तरह से अभी अभी जो बात हम कर रहे हैं अभी उसी पे रहेंगे। किसका है वीनस 8th हाउस सर? मेरे बेटे का सर। हाँ सर एक मिनट, मेरे बेटे का सर। एक मिनट, वीनस मंगल को कहते हैं ना? सिर्फ वीनस, अभी कोई कोई
बोल रहा था वीनस एंड एट हाउस मेरा है सर। वीनस एट हाउस है आपका? हाँ। ससुराल बहुत पैसे वाला है आपका? हाँ सर। और आप दहेज भी बहुत बढ़िया लाए थे ना? दहेज लाए थे ना? अच्छा। अरे मैं फाती जी से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सर। आपके पेरेंट्स ने भी आपको खूब दिया ना? हाँ सर, बहुत सारा। सर मेरी बेटी है। अच्छा एक चीज और है, जिनका वीनस एट हाउस होता है ये लोग जब भी अचानक बिना सोचे बिना समझे अचानक से अगर इनके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो हो जाती है। सर मेरी बेटी का है ना? हाँ जी अशोक जी। सर मेरी बेटी का है ना, मेरी छोटी सी। सर मेरे सर 2012 की है। अभी तो छोटी है सर। 2012 में आई थी हमारे घर में, लेकन सर उसके एक बहुत बड़ी बोल रहा हूँ सर, मेरी हाउस में भी नहीं सर। एक हफ्ते पहले हमको बोला था पापा आप कर ले। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी अशोक जी पूरा कर ले पहले। हाँ जी अशोक। अभी सर पिछले वीक बोल रही थी कि पापा आप मेरे लिए घर ले, और कल सर मैं घर का जा रहा हूँ, घर एडवांस लेने। ये सबसे बड़ी खासियत है कि अचानक जो बोलते हैं हो ही जाती है, जो भी बोलते हैं हो जाएगा। वो बच्चा जो बोल दे वो हो जाएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। और वो अचानक से बोलना चाहिए बस, कंडीशन सिर्फ इतनी। हाँ मोहित। सर मेरा भी गेस्ट हाउस में वीनस है, मगर मेरी शादी के बाद सर वो एक्चुअली रीच होना शुरू हुए हैं। ब्रदर इन लॉ को गवर्नमेंट जॉब मिली है अभी तो। आपकी एक पत्री से आपके पीछे की दो पीढ़ियां, आने वाली आपकी दो पीढ़ियां और एक आप, पांच पीढ़ियों के बारे में आपकी पत्री से बताया जा सकता है। जी सर। और इतना आसान है, बहुत से लोग आपको ये बात बोलते हुए मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा मैं। सवाल ये है कि कितनी आसानी से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत आसानी से। और ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये कोई बहुत मुश्किल सूत्र नहीं है, इनको कैसे डिकोड करना है ये कोई, जिनको ज्योतिष आती है वो अपने आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। बहुत आसान तरीका। सर वीनस के साथ सर शनि हो तो? सर अभी कॉम्बिनेशन से बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो इंडिविजुअल पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, है ना? ठीक है। वीनस इन नाइन्थ हाउस, जिस दिन से ये बच्चा इस घर में जन्म लेगा उस दिन से इस घर के भाग्य चमकने लगेंगे। नाइन्थ हाउस वीनस किसका है? किसी संतान का हो, छोटा बच्चा कोई 10, 12, 15, 18 साल का है। बताओ पंकज जी, आप बोल रहे हो? पंकज जी आप बोल रहे हो? सर मेरी वाइफ का सर, बहुत बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके जन्म के बाद से क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? सर कोई खास चेंजिंग नहीं लगे अभी तक तो। तो फिर वो कहीं ना कहीं मैलेफिक इफेक्ट में होगा। अगर यहाँ पे वो मैलेफिक इफेक्ट में है, सुनो हाँ जी सर, अगर यहाँ पे वो मैलेफिक इफेक्ट में है तो उसका कारण बता देता हूँ क्या है। उसका कारण ये है कि आपके परिवार में पीछे जो आपके नहीं है, वहां पे किसी ना किसी स्त्री को बहुत ज्यादा सताया गया होगा। इस परिवार की औरतें कभी सुखी नहीं रहेंगी, सही है, कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से उनके जीवन में परेशानी कंटिन्यूस बनी रहेगी। अगर यहाँ पे वीनस नेगेटिव हो रहा है तो बिल्कुल ठीक सर। सर वैसे कोई ना कोई कोई ना कोई स्त्री दोष इस पत्री में लगा हुआ है, अगर ऐसा नहीं है तो। अच्छा सर, इसका ट्रीटमेंट क्या करना होगा सर? वो सर कोर्स में बात करेंगे, अभी ट्रीटमेंट आई विल देम। वो ये सर 10th हाउस वीनस,
सर मेरा है जी, सर मेरा भी है, क्या भी है। इन लोग को जहां पे काम करने को मिलता है ना, वहां पे लग्जरी वग्जरी बड़ी होती है, ऑफिस हो या जहां पे भी ये काम करने को जाते हो, वहां पे इनको कंफर्ट लग्जरी ये सब बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं भी जाते, हाउस वाइफ मान लीजिए, तो भी इनको लाइफ में लग्जरी बहुत चाहिए, साफ सफाई बहुत चाहिए, ये उसके लिए काम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अनकंफर्टेबल लाइफ नहीं चलती जीवन में। और ये बहुत नरम स्वभाव के होते हैं, जीवन में जब कभी मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, इन लोगों का मन बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इनके दोस्त, इनके आसपास मिलने जुलने वाले, उनके साथ हो सकता है नंबर फ्रेंड्स के ज्यादा ना हो, लेकिन जिनके साथ भी होगा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और इनकी एक और खासियत होती है, इनकी तरफ लोग अनचाहे चाहे अट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। और कई बारी जो फीमेल्स होती हैं, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसी बच्चियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट करके पालना, क्योंकि इनमें एक अजब मैग्नेटिज्म होता है। तो कभी कभी कुछ गलत लोग भी, अगर कुछ पत्री में गलत कॉम्बिनेशन बनते हैं तो गलत तरीके के लोग भी इनके आसपास आ जाते हैं। तो अगर सर, कहीं कहीं शुक्र के साथ शनि है सर, नहीं सर, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हमने दो कुंडलियां देखी हैं सर, एक का 10th साइन में वीनस है और एक लोग का 10th हाउस में वीनस है। तो जो दो वो ये जो चीज आप कह रहे हैं, वो उनको ऑफिस में सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जैसे उनको सपोर्ट और कंफर्ट एक ही बात है ना, बॉस सर मैं आज नहीं आऊंगा, अच्छा मतलब कंफर्ट हो गया ना, सपोर्ट ही तो है, सपोर्ट कह लो कंफर्ट कह लो, बात तो एक ही। और सर वो जहाँ काम करते हैं, जिस भी वो सेक्शन में काम किए हैं, लेडीज ही आसपास उनके बहुत रहती है हमेशा उनके ऑफिस में, जहाँ पे भी उनका वर्क स्पेस होगा 10 में से 9 लड़कियां होंगी, एक आधा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सर दोनों में, अगर 10th साइन में जैसे एक एक की कुंडली है तो उनका 5वें घर में 10वीं साइन पड़ती है। हम अभी सर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम सर हाउस के बारे में, पूरे इस समय में मैंने राशियों की बात नहीं करी। Okay. और लेकिन सर बहुत सारे लोग आपको यही बताएंगे कि बीएनएन में सारा खेल राशियों का है, मैं ये नहीं कह रहा कि राशियों का नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है वो बिल्कुल अलग है, जो वो बताते हैं शायद वो नहीं। हाँ नहीं सर, 10th हाउस में अगर शुक्र के लिए बिजनेस कर सकते हैं सर, शुक्र के रिलेटेड। हाँ सर, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें सुख सुविधाएं जुड़ी हुई हो, हार्ड कोर मेहनत वाला बिजनेस नहीं कर सकते, ये हार्ड कोर मेहनत करेंगे ही। कुंडली हम सिर्फ हाउसेस को ले रहे हैं, पहला हाउस मतलब पहला हाउस, राशि की कोई बात ही नहीं। ओके सर, मेरे क्लाइंट है सर, उनके 4th हाउस में शुक्र है सर, फोर्थ हाउस में, तो उनकी कंप्लेंट आती है कि जैसे ही कोई फ्रेंड सर्कल्स में आता है तो वो उसका गलत मीनिंग मानना शुरू कर देता है, तो मुझे पीछे हटना पड़ता है। चौथा और 10वां घर इस पॉइंट को लेके, उनका मंगल भी साथ में असल में खराब होगा। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल, मंगल और सूर्य सर साथ में, नहीं साथ में तो कहीं पे भी हो सकते हैं, मंगल खराब हो। ओके ओके सर, अगर 10th हाउस में शुक्र के साथ शनि हो तो वो कैसे कंसल्ट करें आपसे सर? कंसल्ट करने के लिए अलग से मिले अभी क्या सर, मैं अभी तो हम शुक्र को 10वें हाउस में घुमा रहे हैं, है ना? ठीक है सर, तभी पूछ रहा हूं ना सर। ठीक है सर, ठीक राइट सर। सर अभी आपने जो 10th हाउस में बताया कि नई लग्जरी मिल जाती है ऑफिसों में, तो आपकी आवाज अशोक की बड़ी ना टूट टूट के आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। आज मेरा नेटवर्क ही सुन रहा है। हाँ, आज आपका थर्ड हाउस खराब है, मेरा नेटवर्क है। थर्ड हाउस आपका थर्ड हाउस खराब है, इशू चल रहा है सब।
मेरा नेटवर्क इसे चल रहा है, एक्चुअली आज फाइबर वाला आया था और फाइबर का वायर उखाड़ के और फिर वो दूसरा वायर डाल गया, उसके बाद नेटवर्क मेरा इश्यू हो गया। तो जहाँ पे आपका वाईफाई पड़ा है ना, अरे सुनो सर, जहाँ पे आपका वाईफाई पड़ा है ना, उसके नीचे व्हाइट कलर का कपड़ा या व्हाइट कलर की कोई चीज देखो या शीशा कुछ रखा हुआ है क्या? अच्छा देखने गए क्या? मैं कौन, जवाब क्यों नहीं आ रहा सर? ये भी आप कोर्स में बता दोगे हमको? अरे मैं आपका चेहरा देख के ये बता दूंगा आपके घर में वास्तु में कहाँ पे कौन सा दोष है, वहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है जिसकी वजह से ये बता दो। सर बता दो अभी 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 देखो, अभी आपके सामने है अशोक जी भी आएंगे और देखना इनके वाईफाई के पास जो है सफेद रंग का कुछ रखा होगा। सर मुझे एक चीज तो बता दो, चेहरा देख के आप अंधेरा इतना कर रखा है सर, अभी देख लो वास्तु के हिसाब से बता दो। आपके साउथ वेस्ट खराब है, साउथ वेस्ट में आपके कबाड़ पड़ा हुआ है, वो बहुत दिक्कत दे रहा है आपको, उसको हटाओ। क्लटर पड़ा हुआ है वहाँ पे, वॉशरूम है कहा ना, क्लटर क्लटर पड़ा हुआ है, बंद कर दिया, यूज ही नहीं करते हैं। बंद करने से कुछ नहीं होता, बंद करने से कुछ नहीं होता, वो असर पूरा आ रहा है सर। कबाड़ है सही है, पैर रखे हैं मैंने सर। अब सबके कैमरे ऑन हो जाएंगे। मैं तो आ रही हूँ कोर्स में, डन है, मैं तो आ रही हूँ सब सर। मेरा भी सबके कैमरे ऑन करके। अरे अशोक जी, वाईफाई पे कोई व्हाइट कलर का सामान मिला अशोक जी, वो बताओ मुझे। देखो कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है सब में, बताओ। अशोक जी आए नहीं अभी तक, अशोक जी ढूंढ रहे। सर सेवंथ हाउस भी रह गया सर, उसके बारे में बताया नहीं आपने, मिस हो गया। बता सेवंथ हाउस, बता सेवंथ हाउस। नहीं सर आपने बताया ना मेल है तो पत्नी बहुत बीमार रहेगी सर, तो अगर फीमेल का है तो फीमेल का तो भी बीमार रहेगी, वो शुरू से बीमार रहेगी जब से जन्म हुआ। अच्छा फीमेल का है तो शादी के बाद बीमार होगी सर। फिफ्थ हाउस में शुक्र के साथ बुध हो तो सर अभी 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 नहीं। चलो जी जब तक अशोक जी आ रहे हैं तब तक कोर्स के बारे में कुछ बता दीजिए सर। 10,000 में हमने बताया था सर, हाँ जी 10,000 में वीनस की बात कर रही थी सर आपसे, तो उसमें फाइनेंस की क्या पोजीशन रहती? हाँ 10,000 में वीनस कैमरा खोला चकल दे रहे और उसके बाद इमीडिएट बंद कर दिया, बोले अब क्या देखना, हो गया आपके परिवार में किसी की एक की भी कुंडली होगी ना, आपके बच्चों की होगी, उससे आपके बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग जाएगा, इतना सिखा दूंगा। और जो लोग डेट टाइम के चक्कर में, टाइम करेक्शन के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एक मिनट का फर्क है, दो मिनट का फर्क है, भृगुनंदी नाड़ी में अगर आपके घंटे दो घंटे का भी फर्क है ना, तो बहुत आसानी से उसको करेक्ट किया जा सकता है, ज्यादातर केस में करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर सर आप हमें ये जो एक बात है ना सर, रेमेडीज भी सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, रेमेडी के बिना कहाँ बात बनेगी। वीनस रेमेडीज के ऊपर ही होता है सर। आपने 10th हाउस में वीनस के लिए कहा था, उसमें अगर फाइनेंशियली बड़ा प्रॉब्लम आती है सर, उसके लिए तो रिलेटेड है कुछ ये कि और कोई सर? 10th हाउस में वीनस, अगर आप कहीं और से वीनस के साथ मून का इफेक्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो नहीं। मून तो लगन में है सर, एक नंबर में कहीं ना मून मून तो स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग सारी जिंदगी जो लोग ये समझते रहे मेरा ग्रह सबसे अच्छा है, उसी ग्रह ने तो सत्यानाश कर रखा होता है लोगों का। पत्नी में अच्छा है, जीवन में अच्छा नहीं है, वो कैसे देखें? आपका लगन बहुत ज्यादा पीड़ित है बंटी, बंटी जी अपने स्क्रीन पर। अरे सर आपका लगन पीड़ित है बहुत बुरी तरीके से, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है, पत्री का क्या करूं मैं?
Okay. आप कह रहे हो लगन में बैठा हुआ आपका मून बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ आपका लगन बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है, बुरा नहीं मानना मेरी बात। नहीं नहीं बुरा क्या मानना सर, आपसे तो गाइडेंस लेनी, बुरा क्या मानना, लिखने वाली बात है यहाँ बिल्कुल। दो मिनट के लिए आप लोगों को म्यूट भी कर देता हूँ ताकि बीच में कोई नॉइस ना आए, ये जो कोर्स है ये कल से शुरू हो रहा है, शाम को 8:30 बजे से इसका टाइम रहेगा, हफ्ते में 2 दिन वीरवार और शुक्रवार, ठीक है। टोटल ये करीब 5 से 6 महीने कोर्स चलेगा, मैं कहता हूँ कि इसकी 40 क्लास होंगी 45 क्लास होंगी, लेकिन कभी कभी 50 और कभी कभी 60 भी हो जाती। कंप्लीट कोर्स है बेसिक से लेके एडवांस तक का, इसमें आपको हर तरह से आपकी पत्री देखनी प्रिडिक्ट करनी आ जाएगी। टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग टाइमलाइन बता देते हैं कि हम बताएंगे सिखाएंगे और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं कि उससे तो ना ही आए तो अच्छा। आप लोगों को जो टाइमलाइन बताऊंगा उससे आप किसी बच्चे की अगर शादी होने वाली है तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर उसको बता दोगे कि इस साल तेरी शादी हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर अंदर। अनीता जी आप हो क्या, 1 मिनट, ये ना इनके साथ अनीता जी ने कोर्स किया हुआ है, अगर आई हैं तो मैं देखता हूं। प्रियंका अनीता जी कोई है पुराने स्टूडेंट्स में से मेरे? नहीं सर नहीं आई है सर। सर मैं हूँ प्रियंका। अच्छा अनीता जी आपके साथ वाली बैच में थी कहीं और थी? हाँ जी सर अनीता जी साथ वाले बैच में। उन्होंने मुझे एक पत्री दिखाई क्लास में, जैसे ही पत्री भरी मैंने कहा इसकी तो शादी का साल है, कह रही हाँ सर इसकी शादी हो रही है। दूसरी पत्री लगाई मैंने कहा अरे इसकी भी शादी का साल है, तो कहती हाँ मेरी बेटी दामाद का ही है, एक महीने के बाद शादी है, अभी पिछले हफ्ते उन दोनों की शादी हुई है ना। शादी इस साल होगी कि नहीं होगी, साल के बारे में अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको ये देखने में कि इस साल शादी होगी कि नहीं होगी, अगला 1 मिनट महीने को देखने में लगेगा कि किस महीने में होगी। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस। टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, टाइमलाइन पे जाके देखना, सब बता देते हैं सब कुछ लेकिन कब होगा ये नहीं बताते, तो वो सारा कुछ आपको इसमें पूरा सीखने को मिलेगा। 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी सारी, 6 महीने के आसपास आप मान के चलो कि 6 महीने तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। कंप्लीट कोर्स है, छोटा मोटा कोर्स नहीं है। इसकी टोटल फीस जो है वो 21,000 है और 7,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में, 1 महीने दूसरे महीने तीसरे महीने 7,000 में करके आप इसको दे सकते, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो, और मैं एक बार टाइमिंग क्या है एक बार रिपीट कर दें। 8:30 बजे से ही, जैसे आज शुरू हुआ है 8:30 से 9:30, 1 घंटे का है, लेकिन मेरी क्लास कभी 1 घंटा चलती नहीं, मैं कह भी देता हूँ कि 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा फिर भी 2-2 घंटे 2.5 घंटे हो जाते हैं, आजकल ठंड है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन टाइम की मेरे टाइम और नंबर ऑफ क्लासेस इन दो के बारे में मेरे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं। जब तक कोर्स कंटेंट पूरा नहीं होगा क्लास चलती रहेगी, जब तक मैं पूरी तरह से आपको सिखा नहीं दूंगा। सर कुछ सर इसके नोट्स मिलेंगे? सर मैं नोट आपके दिमाग में रिकॉर्ड कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा तरीका ये है पढ़ाने का, PDF मैं नहीं देता। सर कोई पास्ट की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी की वो देख के पत्री? अरे नहीं करे तो फायदा क्या हुआ? नहीं जैसे इनकी शादी कब हुई थी, इनके बच्चे कितने हैं, बता सकते हैं सर पास्ट का कोई आता है तो? हाँ अगर आप निकालना चाहो तो बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं क्योंकि अगर आप पीछे का नहीं बता सकते, अगर आप पीछे का नहीं बता सकते तो आगे की बात में कैसे मान लूं? सही है लेकिन वैदिक में तो नहीं बता पाते सर। एक बार अगर आपने भृगुनंदी नाड़ी पकड़ ली ना
तो मेरा ये प्रॉमिस है वैदिक की तरफ आप वापस मुड़ के देखोगे नहीं। मैंने 10 साल वैदिक करी है, ओके सर, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल मैंने वैदिक करी है, लेकिन जब से BNN समझ में आई है उसके बाद से मैंने सब छोड़ दिया। अब सिर्फ BNN पढ़ा रहा हूँ पिछले करीब 3-4 साल से। लॉकडाउन से पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था BNN, और तब से आज तक सिर्फ BNN ही पढ़ा रहा हूँ। KP भी बंद कर दी, वैदिक भी बंद कर दी, अब मैं नहीं पढ़ाता। तो पहले मैं KP भी पढ़ाता था। पर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है BNN के लिए कि आप कह रहे हैं खाली लगन चार्ट से ही प्रेडिक्शन करेंगे हम D1 से, वो तो सर 2-2.25 घंटे तक एक ही रहेगा लगभग, क्योंकि हम नवमांश वगैरह तो देख ही नहीं रहे। ठीक है, नवमांश हम देखते ही नहीं सर, उसमें टेक्निक अलग है। आप जब तक वैदिक का लोड लेके चलोगे ना आपको नहीं समझ में आएगा। वैदिक आपका चश्मा जो है, आपका जो चश्मा है अभी तक ज्योतिष को देखने का, वो वैदिक का है। बिल्कुल, वैदिक का चश्मा उतारना पड़ेगा। वैदिक नहीं चलेगा सर, वैदिक भूलना पड़ेगा BNN सीखने के लिए। वैदिक छोड़ना पड़ेगा, और इतना आसान है कि आप अपने आप छोड़ दोगे। ओके ओके ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं पाओगे, जब इसी से काम हो रहा है आसानी से तो आप क्यों पकड़ोगे। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। आपको प्रेडिक्शन करनी है कि वैदिक पकड़ना है? नहीं नहीं सर, आपके पास जो क्लाइंट आया वो क्या चाहता है आपसे, आप उसकी बात का जवाब दो ना सीधा सीधा। बिल्कुल ठीक बात क्यों है ना, उसको तो इतने से ही काम है। तो आप अगर प्रेडिक्शन कर पा रहे हो BNN से, आपको क्या जरूरत है बाकी चीजें? नहीं नहीं, वैदिक के बिना तो मैं करूंगा नहीं। अरे ये कोई कसम थोड़ी है। नहीं सर, फिर भी वैदिक से नहीं निकलता सर, मैरिज कब हुई नहीं निकल पाता सर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको 2-3 मिनट से ज्यादा लग जाए, बस एक कंडीशन है, वैदिक को साइड में रख देना थोड़ी देर, 2-3 मिनट में ईयर नहीं निकाल लो तो मुझे बता दे सर। डिफरेंस प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बोल रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी रहेगी सिखाना, हम तो आ जाएंगे क्लास में। मैं बोल तो रहा हूँ सबके सामने, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल, सीखने के ला रहे हैं इसमें, ऐसा क्या है? ठीक है सर, ठीक है, आ जाते हैं सर आप क्लास, पक्का सिखाऊंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वैदिक के स्टूडेंट हैं तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि हम शादी फिक्स नहीं कर सकते कब हुई है या कब होगी, ये तो वैदिक को गलत बोलने की बात है। कि मैं भी वैदिक का स्टूडेंट हूँ, हम निकाल देते हैं शादी। एक मिनट, हम ये कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, हम ये सब डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ मैं, नहीं अभी हम ये सब बात। मैंने आपको क्या बोला शुरू में, वैदिक इज अ मदर ऑफ ऑल, वैदिक माँ है सारी ज्योतिषियों की, उसके बिना कुछ नहीं चलता। उसके आगे और बहुत कुछ है, मैं वो नया कुछ आपको देना चाहता हूँ, तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं। सर एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी कुंडली में योग होना चाहिए ना, वो मतलब वो जरूरी होता है? हाँ वो बताता हूँ कैसे होगा। चलो ये आपने बहुत बढ़िया पूछा सर, उससे पहले कितना आसान है, कितना आसान है आपको पत्री से आपके ये पता लग जाए कि अभी देखो आप लोगों को सूत्र नहीं पता, इसलिए मैं सारी बातें तो नहीं आपको समझा पाऊंगा जब तक आपको पूरी तरह से सूत्र ना बताऊं, लेकिन ये है बहुत आसान सर। ये बेसिक फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूं। पंडित बनाते हैं 3 ग्रह, एक बनाता है खुशी से, दूसरा बनाता है धक्के खा के, और तीसरा बनाता है धक्के खाने के बाद। ठीक है, अगर आपकी पत्री में शनि और केतु, अब ये आप कहोगे कि हम कैसे जाने कि ये जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं ये क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपकी पत्री में शनि और केतु जुड़ रहे हैं, आप कर्म से अपने जब फेल हो जाओगे तो ज्योतिष बनोगे। इस लाइन में खुशी से कोई नहीं आता, सब धक्के खा के आते, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने शौकिया ज्योतिष सीखी है, झूठ बोल रहे हो। लाइफ में कहीं धक्का खाता है तभी कोई इधर आता। दूसरा सूत्र है जुपिटर के साथ केतु, अगर जुपिटर केतु का आपकी पत्री में योग है तो आप ज्योतिष इस जन्म में नहीं पहले से ही, ठीक है। और तीसरा है मरकरी और ये 3 ग्रह हैं जो आपको ज्योतिष बनाते हैं, 3 कॉम्बिनेशन हैं जो आपको ज्योतिष बनाते हैं। ये पत्री में कैसे जुड़ेंगे ये अभी आप लोगों को, जिन्होंने BNN की उनको पता होगा,
लेकिन जिन्होंने नहीं की उनको नहीं पता होगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो बताऊं, अपनी अपनी पत्री में देख लेना, चलो कुछ लोगों की पत्री में ऐसा होगा। सॉरी, ये जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर के बाद केतु है। जुपिटर जुपिटर जो है वो ब्राह्मण है, पंडित है ना। जुपिटर के बाद केतु है तो आप इस जन्म में पंडित बनोगे, बनना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आप बनोगे। पंडित का मतलब ये नहीं होता कि माला फेरने वाला ही पंडित है। एनी काइंड ऑफ स्किल, जिस भी चीज के आप मास्टर हो, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी विद्या जिसमें आप पारंगत हो, बहुत ही आप पावरफुल हो, आपको बहुत अच्छे से कोई भी विद्या आती हो, आप उसके पंडित हो। एक खाना बनाने वाला खाना बनाने का पंडित होता है, क्योंकि उसको सारी उसके नो हाउ पता होता है। तो पंडित को लिटरली मेरे से पूजा पाठ और माला वाले से नहीं लेना, क्योंकि हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हम पंडित वो वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जुपिटर है और उसके बाद में केतु है, इस जन्म में आपको पंडित बनना पड़ेगा। अगर ये केतु जुपिटर के पीछे है तो आप पूर्व जन्म से पंडित हो। सिंपल सा सूत्र, कई जन्मों की आपकी साधना तपस्या है तो जुपिटर के पीछे केतु होगा। पीछे कैसे होता है मैं बता देता हूं, प्लैनेट जो है वो ऐसे चलते हैं इस तरीके से, जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हैं उनको थोड़ा सा समझाने के लिए। जुपिटर ने जाना है ऐसे, उसके पीछे कौन है, केतु। पूर्व जन्म में बहुत सारी विद्याएं आपके पास थी जो आप लेके आए हो, इस जन्म में सिर्फ उसको रिकनेक्ट करना है। जिस दिन आपका समय आएगा आप रिकनेक्ट हो जाओगे और आपके जीवन में ये पांडित्य अपने आप डेवलप हो जाएगा। केतु को इधर ले आओ तो पीछे कुछ नहीं करके आए, लेकिन इस बार जरूर करना पड़ जाएगा, क्यों, केतु आगे आ गए। सिंपल है ना, कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाया हमने, कौन सी कैलकुलेशन लगाई। अब आप लोगों में से बताओ किसकी पत्री में ये कॉम्बिनेशन है, आगे और पीछे वाला। प्लीज अपना अपना माइक तभी खोलिएगा जब बोलो। आगे हमारा है, शनि केतु, बुध केतु और जुपिटर केतु। शनि केतु तीन में से कोई ना कोई, कम से कम सुनिए, इन तीन में से कम एक योग आपकी पत्री में है, आप सबकी पत्री में। मैं सबकी बोल रहा हूँ, 99.99% नहीं, 100%। अब ये योग कैसे बनते हैं BNN में, हम कैसे देखते हैं, वो हो सकता है अभी आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं है और आप इस क्लास में हो, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं पीछे सर, किसी की ना बहुत हमिंग आ रही है। एक मिनट, बहुत पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है, जो बोले वो अपना अनम्यूट कर, हमिंग बहुत ज्यादा आ रही है। मेरे सर बारहवें हाउस में शनि है और फर्स्ट हाउस में केतु है। एक एक थर्ड हाउस में है, फर्स्ट हाउस में केतु है और अभी अभी ज्यादा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन एक घर आगे एक घर पीछे में अगर किसी का है तो वो बता। मेरा है सर, मेरा है सर, ट्वेल्थ हाउस में शनि है और फर्स्ट हाउस में केतु है, बस इसीलिए आप यहाँ हो। प्लीज ऑडियो बंद करिए, हम सब बात नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से बात करूँ, लेकिन अगर ऐसे होगा तो मैं कैसे करूँ। सर मेरा है केतु पहले घर में और बारहवें में गुरु है। सर मेरा तो मंगल और केतु है सर, आगे पीछे। यार ये किसी का ना ऑडियो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। सर शनि और केतु भी होगा अगर गणपति आपके उसमें सर, गणपति सर का आ रहा है। सर आपने वीनस का सर 11th और 12th का नहीं बताया सर आपने।
अरे बता रहा हूँ सर, मैं कहाँ गया हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। सर केतु और शनि का भी सेम अप्लाई होगा, जैसे अगर पहले केतु है और फिर शनि है तो भी बिल्कुल। लेकिन सर मेरे में काफी डिफरेंस है। मैंने आपको बताया ये तीन कंडीशन होगी, आपको अभी कुछ देखनी कंडीशन नहीं आती, ये हो सकता है। गणपति आप अपना या तो वायर हटाओ वैसे ही बात करो, नहीं तो आप अपना ऑडियो म्यूट रखो भी, आपके में से बहुत नॉइस आ रही है, सबको डिस्टर्ब करो। लेकिन सर मेरे में काफी डिफरेंस है, मेरे में सेकंड हाउस में केतु है और सिक्स हाउस में जुपिटर है। मैंने थोड़ी कहा कि ये एक ही कॉम्बिनेशन बनाएगा, मैंने तीन ऑप्शन दिए ना, तीनों में से कोई एक तो कम से कम होगी। वीनस केतु, बुध केतु, वीनस केतु कह रहा हूँ, शनि केतु, बुध केतु और जुपिटर केतु, तीन में से कोई एक ही क्वेश्चन लगेगी, सारी थोड़ी लग जाएंगी। नहीं हाँ सर ये भी है, है वो मुझे तभी तो यहाँ हो, यहाँ हो ही नहीं सकते थे आप, अगर ये वैसे नहीं पता होंगे आप यहाँ क्यों आए। और सर तीनों ना, तीनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, मेरे में तीनों है। उसका क्या रिजल्ट है, मतलब बन जाएगा प्रकांड पंडित बनोगे। अच्छा आपको तो कॉम्बिनेशन पता है, आप तो ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर चुके हो। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, डिग्री कर तीनों, तीनों मेरे में भी तो है, तीनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हम तो फिर ना 100% भैया जैसे ही बन जाएंगे। केतु एट हाउस में है एक्वेरियम। अरे मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, मेरे जैसे क्यों बनोगे, अपने जैसे बनो। सर मेरा ऑरा स्कैनर किया था किसी ने तो मुझे बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी मत करो, आप सिर्फ वास्तु करो, और मेरा मन एस्ट्रोलॉजी में लगता है। सर ऐसे अपना चेहरा साइड करो जरा, चश्मा हटा के, चश्मा हटाओ, साइड पोज दो जरा मुझे अपना, नहीं कैमरे में आ नहीं रहा आपका, बढ़िया सा व्यू आ नहीं रहा, बहुत बारीक डिटेल देखनी पड़ती है सर। मेरी बेटी पता लग जाएगा कि क्या प्रोफेशन करना चाहिए और क्या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए। सर बेटी की कुंडली में गुरु और केतु साथ में है, बस सर तैयारी रखो। सर केतु एट हाउस में है एक्वेरियस में। सर अभी रुकते हैं थोड़ा, है ना, मतलब थोड़ा रुकते हैं। सर ये फेस रीडिंग भी सिखाओगे आप क्लास में? नहीं जी, फेस रीडिंग का कोर्स अलग है। सर ये तो टीजर देता हूँ, दुकानदार हूँ, टीजर नहीं दूंगा तो माल कैसे बिकेगा। सर हाँ जी, सर मेरी कुंडली में तो जुपिटर के साथ वीनस बैठा है, शनि अकेले बैठा है, और सर अभी हम इंडिविजुअल पत्री नहीं दे सकते। नहीं नहीं सर, हमारे में ऐसा नहीं बन रहा है, मतलब जो आपने तीनों कॉम्बिनेशन बनाया। सर अभी आपको कॉम्बिनेशन ही नहीं पता, कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके छह तरीके हैं, छह में से आपको एक पता है, बाकी पांच तो आपको पता नहीं ना, तो अभी पहले वो पांच सीखने पड़ेंगे ना, तभी तो बता पाएंगे। नहीं सर, नहीं, पर सर जो आपने बताया था उसमें से गुरु और आपकी आवाज बहुत हमिंग आ रही है सर, मैं आपका ऑडियो बंद कर रहा हूँ, बहुत हमिंग आ रही है आपकी वजह से। हाँ जी चलिए, एक दो चीजें और रह गई है ना, वीनस एंड 11th और 12th, ये नोट कर लीजिए, जिसको लेना है अपना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और अगर कोई कहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बैंक ट्रांसफर का लिंक भी भेज दूंगा, जीपीए या पेटीएम इस नंबर पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर लीजिएगा, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। जो मैसेज आया है आप लोगों का वो सिर्फ मैसेजिंग का नंबर है, मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे तो इसका फोन फोटो से फोन से फोटो खींच लीजिए या मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। वीनस एंड 11th हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सर मेरे फादर के में सर, लेकिन फादर अब नहीं रहे। तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो मेरा वीनस का लगन है और वो 11th में बैठा है। वाह क्या बात है, लाइफ मजे से कटी ना, आराम से। जी सर, काम तो किया लेकिन इजी था, इजी मतलब देखो आपको एक बात, टेंशन नहीं हुई, टेंशन होगी भी नहीं, जीवन कैसे कटेगा कैसे देखें,
आप जीवन में कितनी तरक्की करोगे, कैसे देखें, बहुत बड़ा सवाल है ना। अच्छे अच्छे ज्योतिष फेल हो जाते हैं ना। सिंपल सा सूत्र है, जैसा आपका जुपिटर होगा वैसा आपका जीवन कटेगा। जुपिटर अच्छा है तो जीवन अच्छा कटेगा, जुपिटर हल्का है जीवन हल्का रहेगा, जुपिटर खराब है जीवन खराब रहेगा। सिर्फ इतनी सी बात। सेवंथ में अब जुपिटर को कैसे देखना है, अच्छा है कि बुरा है, उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लास में बताएंगे। पत्री में आपको सिर्फ वो फॉर्मूले एक बार लगा के देखने हैं। आप किसी को प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक बड़े महान ज्योतिषाचार्य हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मेरे एक दोस्त को प्रिडिक्ट किया कि तुम कम से कम 100 करोड़ की असामी होनी चाहिए, और उस बेचारे का हाल ये था कि उसने मकान बेच के अपना घर चलाने के लिए हिसाब किया था। इतना उसको बिजनेस में घाटा लगा कि उसे अपना मकान बेचना पड़ा। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान के माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। और उन्होंने बोला तुम कम से कम 100 करोड़ की असामी हो। ऐसी गलती आप लोग नहीं करोगे, ये मैं बोल सकता हूँ। पहले देखो तो सही, इस इंसान को जीवन में छूना क्या है, क्या छू पाएगा, वहां तक पहुंच पाएगा। 100 करोड़ को आसान है क्या किसी के, मजाक है क्या? लेकिन हुआ क्या कि वो ऐसी जगह पे मिले थे जहां पे सारी 50 करोड़ और 100 करोड़ वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने उस एम्बियंस के हिसाब से बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो 50 करोड़ 100 करोड़ वाले ही आते हैं, तो तुम भी वैसे ही होगे। उन्होंने पत्री वत्री नहीं देखी। मैंने जब ज्योतिष पहली बार सीखना शुरू किया था तो मेरे को जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सिखा दो, तो उन्होंने बोला ज्योतिषी उच्ची कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा IQ लेके कोई आदमी बैठता है, जो सामने वाला बोल रहा होता है उसी की बातों को मैनेज करता है, उसी से पूछ के उसी को बता देता है। ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जो है एक एस्ट्रोलॉजर के पास होती है, ये उन्होंने मुझे कहा था। और उन्होंने मेरे बारे में एक प्रिडिक्शन की थी जो हमेशा गलत निकली, और वो ऐसे थे कि उनके पास लाइन लगती। मुझे ऐसे लोग बहुत मिले जीवन में, आज भी उनके पास लाइन लगती है। बुजुर्ग हो गए वो अब बहुत, क्योंकि 18 साल तो मुझे ही हो गए पढ़ते पढ़ते। ऐसा ज्योतिष नहीं सर, 11th में शुक्र है तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा बोल ही रहे हो, अच्छा है। 12th में मेरा शुक्र है, 12th में अगर शुक्र है वो मेरी बेटी तो जब ये बच्चा अगर वीनस यहाँ पे अच्छा है और ज्यादातर अच्छा हो, अगर ये बच्चा घर में आया, जिस जब भी आया आप देखना वो कभी भी छोटे खर्चे नहीं करेगा, उसको हमेशा हर चीज महंगी ब्रांडेड लग्जूरियस। वो 4,000 का जूता नहीं लेगा, उसको 8,000 वाला चाहिए, उसको 10,000 वाला चाहिए। नॉर्मल कपड़े नहीं लेगा, उसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। आप उसको सस्ता सामान दिलवा नहीं सकते और ना ही लेना चाहिए। होता क्या है, मैंने ये देखा कि अगर आपका 12th house में वीनस है तो आप ब्रांड्स के इतने शौकीन हो जाते हो कि चाहे आपको उसके लिए उधार उठाना पड़े लेकिन आप ब्रांड खरीदते। मेरे एक जानकार है, फोन लेने गए, 36,000 रुपए का फोन, उसके पास गए बोले जी 3,000 रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी की EMI। बोला 3,000 रुपए के लिए कार्ड घिसेंगे, उसकी भी EMI है। तो बोला अच्छा ठीक है 500 रुपए तो दे दो डाउन पेमेंट। बोला इसी में से ले ले जो कुछ लेना है, 500 भी नहीं है। अरे जब तुम्हारे पास 500 भी नहीं है, तुम्हारे पास 3,000 भी नहीं है, तो 36,000 रुपए का फोन लेने की जरूरत क्या है, काम चला लो जो है, जब आ जाए तब ले लेना। लेकिन जिसका वीनस 12th में बैठा हो वो महंगे खर्चे करेगा, चाहे उसके लिए उसको उधार उठाना पड़े। ये एक अच्छाई भी है और ये की बुराई भी है। सर इसकी कोई एज होती है क्या? बिकॉज मेरे बेटे का है, पहले नहीं था
बट अभी ऐसा हो गया है वो, अभी 18 साल वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बचपन से नहीं था, मतलब 18 इयर्स तक नहीं था। 18 इयर्स तक बच्चे की अपनी चलती कितनी, उसको समझ कहाँ होती है। अब तो उसके पंख लगे, अब उसने देखा कि क्या है दुनिया में, जो कौन सा ब्रांड है, वैसा ही है। अब मांगेगा कहाँ से लाओगे, छोड़ो इस बात से, उसको कोई लेना देना। वो कहेगा मामा मैं एक किसी को जानता हूँ, उसने अपना करियर शुरू किया, पहली सैलरी उसकी आई 10,000 रुपए, मेरे साथ का ही है, तो उस जमाने में 10,000 रुपए पहली सैलरी बहुत बड़ी बात होती, उसकी पहली सैलरी आई 10,000 रुपए की, 8,000 रुपए का अगला रेबन का चश्मा खरीद लाया। कितने अरमान होते हैं, पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, है ना, ये करेंगे वो करेंगे, बोला ना, और रेबन का चश्मा। सैलरी मिली, चश्मे के शोरूम पे गया, चश्मा पहना, आ गए, पापा ने पूछा बेटा सैलरी का है, बोला 2,000 रुपए ऑफिस आने जाने के लिए, 8,000 का चश्मा। पर आपने तो टेंशन दे दिया मुझे। आज वो करोड़पति है, करोड़पति नहीं करोड़ोंपति है वो, यही बोलता है सर, यही बोलता है कि मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ, चिंता मत एक करो। सूत्र बताता हूँ, पैसा हर एक के पास नहीं आता, पैसा कहता है कि मैं उसके पास आऊंगा जो मेरी कदर करेगा। कदर कैसे करोगे, पटरी का सामान खरीद के पैसे की कदर करोगे क्या? मैं किसी पटरी वाले के खिलाफ नहीं हूं, सस्ता सामान खरीद के पैसे को इज्जत दे रहे हो क्या? 10 नहीं 8 रुपए ले लेकर के तुम पैसे को इज्जत दे रहे हो क्या? बड़े बड़े लोगों को देखा है जेब में हाथ डालते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से गुलशन कुमार को देखा, टी सीरीज का जो मालिक मर तो गया अब तक, मैंने खुद उसको देखा है सेंटर मार्केट लाजपत नगर में, सफेद कपड़े बिल्कुल दूधिया व्हाइट, गाड़ी में से उतरा, एक सामने भिखारी बैठा था, जेब में हाथ डाले, 500 के जितने नोट आए उसके डाले ऐसे और आगे बढ़ गया, उसे खुद नहीं पता उसने कितने नोट डाल दिए। तुम कहते हो पैसा आ आ आ, तू कहता है तू जाएगा तो अभी तो आएगा, पिछला सारा मेरी तिजोरी में भरा रहे और मैं किसी को ना दूं लेकिन मुझे सब दे, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। बड़ा आदमी बनना है तो बड़े आदमियों के शौक पालने पड़ेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर, लेकिन अड़ जाते हैं, छह महीने बाद ले लूंगा लेकिन जूता एडिडास का पहनूंगा, मेरे को एक्शन नहीं पहनना। सेम सेम सर, हम नहीं दिलवा पाते, जमा करता है अपनी पॉकेट मनी वो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएगा, टेंशन मत, वो उसके वर्ड होते हैं सुबह शाम, आपको गाड़ी मैं पहले मैं गिफ्ट करूंगा, पहली गाड़ी मेरी तरफ से आएगी। और ऐसे लोग दूसरों को देने में बड़े दिलेर होते हैं, क्यों? बारवा हाउस किसका है, आप ध्यान से समझो ना, बारवा हाउस किसका है, छोड़ने का है, प्राण छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, रिश्ते छोड़ते हैं, मोक्ष पाने का घर है बारहवें हाउस से, मोक्ष प्राप्ति होती है ना, मोक्ष क्या है, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वाइफ को भी छोड़ देंगे फिर। वीनस कैसा है ना, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन मत दो बाबा, तो पैसा आ रहा है उसी की वजह से, तो पैसा आ रहा है वहां, छोड़ने का है तो वो क्या करेगा, पैसे को छोड़ेगा। अब उसको तो पैसा छोड़ना है, आपको लगता है वो ब्रांड मांग रहा है, ब्रांड नहीं मांग रहा, वो पैसे छोड़ रहा है, उसकी जेब में 10,000 है और वो 20,000 छोड़ने का जिगरा रखता है। आप रखते हो क्या? मैं रखता हूं क्या? नहीं, वो रखता है, बारहवें हाउस में बैठा है, पैसे का लॉर्ड है, छोड़ने के घर में बैठा है, पैसा छोड़ो पैसा छोड़ो। अच्छा, सस्ती चीजों में पैसा छोड़ता ही नहीं, छूटता ही नहीं। 500 रुपए वाले जूते खरीदोगे, 1,000 रुपए वाले जूते खरीदोगे तो 10 खरीदने पड़ेंगे 10,000 रुपए खर्चा करने के लिए। उसको चाहिए एक जूता, वो एक ही जूते में 10,000 रुपए खर्चा, क्योंकि सेल का भी वेट नहीं करता, सेल आएगी तब, कभी नहीं करेगा,
और जब सेल का वेट करने लग जाए ना, सुनो, जब वो सेल का वेट करने लग जाए उसे ठीक करना कि नहीं तू अभी जाके ले, करता ही नहीं है सर। अगर उसने सेल का इंतजार कर लिया और सेल में लेना शुरू कर दिए, समझ लेना उसका टाइम ठीक नहीं चल रहा। ओके, ये पहचान है आपकी, हरकतें, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपका तरीका, वो सब आपके ग्रहों के रिप्रेजेंटेशन का तरीका होते हैं। सर कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो कर रहा है करने दो। बिल्कुल करने दो, उसके भाग्य का है, आपके घर आ रहा है, आपको पता ही नहीं। सर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं क्या? सर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं क्या? अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं क्या उसमें? 12th हाउस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे बारे में उसमें नहीं। सर 12th में तो मेरी बेटी का चार्ट जो है उसमें तो नहीं है, लेकिन वो भी ब्रांड लेट की तरह, राहु भी है शुक्र के साथ। सर और बारे नहीं आ रहे, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग कहते हैं ना वीनस राहु का खराब कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। पर सर मेरी तो शादी होने के बाद से पैसा कम ही हुआ है, बड़ा तो नहीं, मतलब नहीं अब तो खैर बढ़ रहा है। और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन से कैसे बात बनेगी, और भी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, पूरी पत्रिका एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि बेटी के चार्ट में मेरे वीनस तो नहीं है 12th में, लेकिन ब्रांडेड की तरफ ही है उसका भी ज्यादा रहता है। और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, ये तो एक बता रहा हूं। सर आप थोड़ा बताएंगे ये जो आप कोर्स करा रहे हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे करने, थोड़ा कुछ बता सकते हैं सर? आपकी जिंदगी के कितने सवाल होते हैं सर? सर सबसे पहला, एक मिनट मैं गिना देता हूँ। सबसे पहला सवाल होता है बच्चा जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, तो संतति, संतान होगी कि नहीं होगी, जीवन यहीं से शुरू होता है ना। हाँ जी हाँ जी। बच्चा बड़ा हो गया तो पढ़े लिखेगा कि नहीं पढ़े लिखेगा? बिल्कुल ठीक। पढ़ जाएगा तो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, या कौन सी स्टडी करेगा? पढ़ लिख गया तो नौकरी कौन सी फील्ड में, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? ठीक है ठीक है। नौकरी कर ली तो शादी इसकी कैसी होगी, मैरिड लाइफ इसकी सही से चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसी लड़की आएगी कैसी नहीं आएगी? पत्री से लड़की की शक्ल बता दूंगा, ऐसी लड़की आएगी। ठीक है सर। ठीक है, शादी हो गई, एक साइकिल पूरा हो गया, अब उसकी संतान आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जीवन में आपके पास कौन सा प्रश्न है, मुझे ही बताओ। हाँ सर, जैसे अनएक्सपेक्टेड जैसे बीमारियां आ जाती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोग बीमारियां निकल आएगी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आएगी, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएगा ना, सब कुछ कवर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमलाइन। टाइमलाइन एक्यूरेट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो सर एक तो आप कह रहे हैं कि पीडीएफ सारे मेरे उनके रिवीजन करना होगा तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर एक तो आप कह रहे हैं देंगे वीडियो रिकॉर्डिंग, हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाय चांस आप कभी कहीं जाना आना भी पड़ जाता है तो उस समय में आपको रिकॉर्डिंग काम आएगी, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगी। आप कहीं आओ जाओ मत आओ जाओ इससे कोई मतलब नहीं है। उनके रेमेडी, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एक साल के लिए। सर एक तो ये है, हर इवेंट का आप सिखाएंगे क्या सर? इसमें ये भी आएगा, जैसे इवेंट तो आपने बता दिया लेकिन उसकी मैरिज ही डिनाइल हो रही है तो क्या उसको कुछ? शादी में सब देखो, शादी एक शब्द है लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अंदर ही अंदर है। क्या है, पहली बार शादी होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी। होगी तो चलेगी कि नहीं चलेगी? दोनों में आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी? दोनों से संतान उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? इनको संतान का कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? कोर्ट केस मुकदमा लगेगा कि नहीं लगेगा? झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? ये सब एक शब्द शादी के पीछे छुपा हुआ है। छुपा है कि नहीं छुपा? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक। ये सब आएगा, डिवोर्स होगा नहीं होगा सब आएगा, ईच एंड एवरी डिटेल। लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी? बिल्कुल ठीक। यहां तक बता दूंगा कि जहां से इसका स्पाउस आना है उसका घर कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसके घर के आजू बाजू क्या होगा, घर के पास होगी कि घर से दूर होगी? ओह, और सर ये कितनी दूर पे होगी, कहां, कौन सी दिशा से होगी? हाँ अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम जाएंगे रिश्ता लेके कि सामने से अपने आप रिश्ता चल के आएगा? अरे वाह। और ये देखने में 1 मिनट नहीं 30 सेकंड लगेंगे,
इस सवाल को देखने में 30 सेकंड लगेंगे। और सर अपने बिजनेस को मैं इसका मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्विक प्रेडिक्टिव, जो बाकी बैच में मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी वो जानते हैं। मैं इसको BNN नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ क्विक प्रेडिक्टिव। क्विक प्रेडिक्टिव मतलब एक मिनट में प्रेडिक्शन। दूसरा मिनट नहीं चाहिए, कोई भी इजिली सीख पाएगा ना, ऐसा तो नहीं ना कोई बहुत ही टफ मतलब याद करना पड़ रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी, जो यहाँ पे पहले से छपा हुआ है उसको साफ, हाँ उसको ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक बात। कोई भी विद्या कभी भी किसी से भी सीखनी हो तो ब्लैंक कर दो उसको अगर सीखना है। सर मेरे पास तो कुंडली नहीं है मेरी, सर मेरे को बताओ मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ जितने हैं वो सब सीख पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सिखाना मेरी जिम्मेदारी, आपका नहीं, वो आपका काम नहीं है, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे किसी को परेशानी उसके बारे में तो बताएंगे ना, रेमेडी क्या करना है जिससे उसकी समस्या दूर हो। हां बिल्कुल रेमेडी बताएंगे। इस टाइम तो सर हर आदमी समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत कम होगा कोई जो समस्या नहीं। सभी समस्याओं से सभी घिरे रहते हैं, अपने बाप दादाओं से पूछो वो भी यही कहते थे। हाँ जी, समय समय के हिसाब से जीवन है, वो ये ना हम लोग जानते नहीं उनको कैसे हल करें, क्या उनका सॉल्यूशन निकालें, वो सब सीख जाएंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। सर इसमें स्टोन रिकमेंड भी होता है, कौन सा स्टोन पहनना होता है ये भी निकलता है? आप कहोगे तो बता दूंगा, बहुत आसान है वो, उसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं, वो इतना आसान। ठीक है सर, ठीक। इसमें कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। स्टोन कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना, इसके लिए आधा घंटा एक घंटे की क्लास भी बहुत। कल पक्का मिलेगा सर आपसे क्लास के अंदर पक्का। तो सर ये जो आपने नंबर दिया इसी पे डाल देना। हाँ इसी नंबर, ठीक है सर कल करेंगे। कितने रुपए ये नंबर है, इस नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया सर, कल करेंगे सर। ले लिया, ले लिया। कोई कब से क्लास है आपकी? कल से है जी, 8:30 बजे शाम से। तो उसका हफ्ते में 2 दिन, वीरवार शुक्रवार। सर इसका लिंक आप अलग से ग्रुप बनाएंगे क्या? हाँ ग्रुप बनाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं बनाएंगे। कितने रुपए का ग्रुप है अभी? तो ये जो ग्रुप बना है इसमें आप एक दूसरे का नाम नहीं देख सकते, नंबर नहीं देख सकते। हाँ जी हाँ जी, ये प्राइवेसी आप लोगों की सबकी सिक्योर करिए, क्योंकि कुछ लोग जरा उल्टे सीधे हरकतें करने लग जाते हैं स्पेशली फीमेल्स के साथ। तो मैंने ऐसा ग्रुप बनाया कि जिसमें कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता और मैं सबको देख सकता हूँ। ठीक है, रुपए लिखे हुए लिखे, पैसे पैसे कितने राजीव जी? 21,000 रुपए का कोर्स है, 3 महीने में 7,000 रुपए करके आप दे सकते हैं। सर अगर 4 क्लास के बाद इंस्टॉलमेंट आएगी, 4 क्लास हो गई इंस्टॉलमेंट 4 आ गए। सर अगर फुल पेमेंट एक साथ करेंगे कुछ डिस्काउंट है क्या? नहीं सर। हाँ जी ब्रजेश जी, कुछ आप पूछना चाह रहे हो बहुत देर से। हाँ जी मैं पूछूं आपसे कुछ? हाँ पूछो ना। मेरे को एस्ट्रोलॉजी पता है, आप बता सकते हैं? कौन बोल रहा है मुझे नाम बताइए। संगीता जी। हाँ संगीता जी बोलिए। मैं पीछे से आप लोग म्यूट करिए नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। मेरे को मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पत्री देखना नहीं मालूम, हाउस लगन कुछ नहीं समझता है। आप सबसे अच्छे से सीख पाओगे। मेरे को हेल्थ के इश्यूज बैगेज नहीं है इस वक्त, मेरे को हेल्थ के इश्यूज बहुत हैं। मैं जानना चाह रही थी क्या है। पत्री से देख के पता लग जाएगा। Is it SLE, lupus? कोई ब्लड की प्रॉब्लम है? ब्लड की प्रॉब्लम है? पत्री से पता लगेगा, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता। फेस से देख के कुछ? नहीं आप बहुत अंधेरे में बैठे हो, फेस रीडिंग मत कराओ। कभी कभी मैं करता हूँ जब मेरा अंदर से कुछ आवाज आती है तो ही करता हूँ, हर समय नहीं करता। मुझे कुछ नहीं आता, कोई है जो बोलता रहता है। मेरा सेकंड हाउस में वीनस बैठा है। पत्री कंसल्ट करनी होगी आपको, उसके लिए क्या करना चाहिए? 3100 रुपए चार्जेस है। आज फुल डिटेल आ जाएगी जो चीज आपने मुझे बताई है अभी। अभी आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैक्सिमम 30 मिनट। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। अभी अभी तो आपने मेरे को देख के बता दिया कि आपका जो लगन है ना वो ठीक नहीं है सर।
दिख रहा है सर, चेहरे पे लिखा हुआ। नहीं तो वही, तो वही चीज तो मुझे इम्प्रेस करी सर, मैंने इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना सर। तो भी आप कह रहे हो कि मैं नहीं पूछ पाऊंगा, जो आप पूछोगे हमें तो ये नहीं पता। जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन कोई सुनेगा ही नहीं, पता नहीं कौन बुलवाता है, तो आप लोग सुन लेते। जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन कोई नहीं। सर क्या सर मैं मॉर्निंग में कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ आपसे? एक्चुअली टाइम ज्यादा हो रहा है और मुझे रिपोर्टिंग करनी थी ऑफिस की। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने सर अपने सर अपने टेन ओ क्लॉक कर लूं सर आपको 10 बजे तक? सर मैसेज डाल देना, मेरा ये वाला नंबर जो आपको दिया ना इसी पे पर्सनल पे मैसेज डाल देना। ठीक है सर, ठीक है सर। अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? सर डिस्काउंट का मेरे यहाँ रिवाज नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। मैं एक को डिस्काउंट दे दूंगा तो बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा। उनको लगे ना लगे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगेगा और आपको भी लगना चाहिए। और सर ये कोर्स, सर ये जो आप कोर्स करा रहे हैं, अगर एक बार हम कर लेते हैं पूरा और कभी रिपीट करना पड़ जाए तो उसके दोबारा देने पड़ते हैं? एक बार रिपीट कर सकते हैं। अच्छा एक बार कर सकते हैं ना? ठीक एक बार ठीक है, ठीक है, थैंक यू। उसके कोई चार्जेस नहीं। क्वेश्चन था सर, आपने जैसे बोला कि उसका 12th हाउस में वीनस बहुत अच्छा है बट साथ में राहु भी है, तो वो अच्छा रहेगा सर? ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, ये मिक्स भी हो सकता है। नहीं सैटर्न है, तीनों तरीके से सैटर्न है, तीनों तरीके से काम। अभी पत्री डिस्कस नहीं करेंगे, जितना था आज के लिए तो उतना मैं दे चुका हूँ। सर थैंक यू सो मच, बहुत पर्सनल को ज्यादा नहीं अटेंड कर सकता ना सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे रेड बुक में ये आर्टिफिशियल प्लैनेट्स को क्रिएट कर लेते हैं तो ये नाड़ी में भी होता है? नहीं सर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसे वो चंद्र और शुक्र को बुद्ध मान लेते हैं कि नहीं सर, हम नहीं बना लेते, हम कुछ नहीं बनाते, हम जो है उसी को मानते हैं, हम कुछ नहीं, हम कोई मसनूई ग्रह नहीं। अरे भीगुनारी क्यों है? तो है सर मेरे ना थर्ड हाउस में जुपिटर और केतु है सर। सर तो पर्सनल पत्रियां नहीं डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं पत्रियां नहीं सर, मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए कोर्स से रिलेटेड। हाँ सर कोर्स ज्वाइन करो, क्लास में खूब बताऊंगा, चिंता मत करो सर। तो आप वास्तु की तरह लोगों की, सब लोगों की अपनी अपनी पत्रियों पे पूरी क्लास डिस्कशन होगी। मैं अपनी पत्री से, मोदी जी की पत्री से, अमिताभ बच्चन की पत्री से नहीं पढ़ाता। वेरी गुड, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? उनका सच क्या है हमें पता ही नहीं। आपका सच आपको पता है ना, तो आपकी पत्री लगेगी और उसपे सारा एनालिसिस होगा। राइट ठीक है, बड़े बड़े लोगों की पत्रियां, सेलिब्रिटीज की पत्रियां लगा के अपनी दुकान नहीं चला, आपकी पत्रियां लगा के आपको पढ़ाना है। जेन्युइन सर, बहुत बढ़िया। आपकी पत्रियां लगेंगी, सबकी लगेंगी, चाहे क्लास में 10 लोग हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। सर आप लंबा चलेगा तो चले। सर आप वास्तु भी कराते हैं, वास्तु का कोर्स? हाँ वास्तु भी कराते। ओके सर, ये भीगुनारी क्यों है सर? अब है तो है भी, मैं क्या करूँ, कल को तो आप पूछ लोगे आप क्यों हो तो मैं क्या बताऊंगा, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। ऋषि ने लिखी है तो है यार। ज्योतिष का ही कोई पार्ट है सर भीगुनारी ने मुझे? हाँ ज्योतिष है सर, पार्ट नहीं है ये, पूरा ज्योतिष है। किसी ने बहुत बढ़िया एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज लिखा कि प्रोग्रेशन समझाइए, मैं कहा आओ भाई व्हाट्सएप पे ही समझाता हूँ। सर ये यूक्रेन वॉर खत्म हो गया क्या? खाना खाने जाऊं मैं? स्टॉक हो गया सर, मुझे पॉलिटिक्स वाली ज्योतिष नहीं आती। नहीं नहीं सर, मेरे राजकाज का प्रेडिक्शन जो होता है ना जिसमें, वो एक अलग तरह का ज्योतिष है, वो पॉलिटिकल जो उसमें पार्ट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो एक पूरा अलग हिस्सा है। मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं करी, आती है लेकिन मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। नहीं सर मेरे तो, सर अभी क्लास की और सब्जेक्ट की बात करते हैं, यूक्रेन से हमारा, मेरा लड़का वहाँ मेडिकल में है सर, वो उसकी स्टडी स्टॉप हो गई है अभी, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि उसका फियर है। ना मेरे पास पुतिन की पुत्री है ना ज़ेलेंस्की की, मैं कहाँ से बता दूँ। लेकिन हाँ एक साल अगला जो है पूरे दुनिया में अच्छा नहीं है सर, अगर आप ग्रुप अगला में पूरा अगला पूरा साल सभी देशों के लिए ऑलमोस्ट बहुत परेशानी वाला है, हमारा भी सर। अगर आप पेमेंट लिंक सेंड कर दे तो आसानी रहेगी ग्रुप में। पेमेंट लिंक में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो?
सर मुझे नहीं पता आपने कौन से, आप लोगों को जो मैसेज भेजे है ना उसमें ग्रुप लिंक भी मैंने भेजा है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज कर दो, मैं पेमेंट नहीं भेज। BNN डेमो हाँ उसमें है लिंक सर, ऑलरेडी है उसमें सर। अब एक होता ना बार BNN का, BNN का जो पेज है ना, BNN का जो पेज है ना उस पे जाओगे तो वहां पे लिंक है, क्लिक करके पे कर सकते हो सर। आजकल बारकोड बना के भेजते ना बड़ा इजी हो जाता है, एक बारी में पेमेंट नाम भी आ जाता है सब स्कैन करने से पेमेंट सर। आप देखो जो पेज है ना जिस पे आप लोगों ने सर्फिंग की है, पेज yes, सर, भेजा था उस हाँ पेज पे पेमेंट का लिंक है, मैं यही बता रहा हूँ। ओके चलो, पे नाउ का बटन है, पे नाउ पे करोगे तो शायद 2100 रुपए उसकी पेमेंट है, 2100 आ जाएगी। ठीक है सर, बाकी पेमेंट आप गूगल पे पेटीएम से बाद में कल परसों जब भी चाहो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास तक आपके पास टाइम है, कल आप 2100 रुपए दे के एनरोल करा, कल की क्लास तो कल से ही हो जाएगी, अगली क्लास से पहले, कल से क्लास है, कल से 8:30 बजे। ठीक है सर, राइट राइट ठीक है। जस्ट पेज पे आप लोगों को जो मैंने भेजा है ना उसमें हर बार मैंने भेजा है कोर्स डिटेल, कोर्स कंटेंट। हाँ जी, कोर्स कंटेंट पे क्लिक करोगे एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे लिंक है पे नाउ करके, आप उस पे क्लिक करो, आपकी पेमेंट मेरे पास आ जाएगी, कुछ नहीं भेजने की जरूरत। ओके सर, मैं कुछ सॉफ्टवेयर वाला भी हूँ, मैं आईटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैंने सारा ऑटोमेशन पे डाल रखा है। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जैसे ही एड पे मेरे क्लिक किया और आपके पास उसी समय में एक मैसेज आ गया होगा व्हाट्सएप पे, आया ना सब लोगों के पास। हटाओगे ना ये तो खोल क्यों रहे हो, पहले इसको हटाओ ना। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आप लोग यस सर, जैसे भी है जो जिनका भी इंटरेस्ट बनता है जुड़िए सर, और मैं तो आ रहा हूँ सर कल आपकी क्लास में। आओ हम सब, सभी आ रहे हैं सर, सभी आ रहे हैं सर, आज कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30 बजे, ग्रुप बन जाएगा, जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी ग्रुप बन जाएगा और मैं उसमें आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। वंदना जी, इफ यू वांट टू शिफ्ट हियर यू कैन शिफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।